दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर है हमारा द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इस चैप्टर को पूरी तरह से पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। यह वीडियो आपको इस पूरे चैप्टर को एक कॉम्प्रिहेंसिव तरह से वन शॉट में कवर करके देने वाला है। पूरी स्टोरी, पूरे फैक्ट्स, किस तरह के सवाल बन सकते हैं, हर चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज सुन लो, एकेडमिक ईयर 2023-24 में जो बच्चे अपना एग्जाम लिखने वाले हैं, एकेडमिक ईयर 2023-24 की बात की जा रही है, 23-24 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में ये वाला चैप्टर नहीं आएगा। फिर क्यों पढ़ रहे हैं? पीरियोडिक टेस्ट में आना है, तो जिन जिन बच्चों के स्कूल में जो पीरियोडिक टेस्ट होना है, उन पीरियोडिक टेस्ट में ये चैप्टर आ रहा है, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम इस चैप्टर का आपको वीडियो बना के दे रहे हैं वन शॉट, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के हिसाब से हमें इसे नहीं पढ़ना है, बोर्ड एग्जाम में चैप्टर नहीं आएगा। नाचो मत, बैठ के पढ़ो आगे, ठीक है। तो अब जैसे शुरू करें चैप्टर, तो द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये जो चैप्टर है, दिस चैप्टर इन इटसेल्फ इज सेइंग अ लॉट अबाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन। जितना अभी तक आपने क्या किया है, जितना आपने अभी तक हिस्ट्री पढ़ा है, तो उसमें आपने यूरोपियन मतलब नेशनलिज्म को पूरा समझा, इंडियन नेशनलिज्म को समझा, और मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड का जो छोटा सा पार्ट था, उसमें आपने देखा कि कैसे ग्लोबल वर्ल्ड बना है। ग्लोबल वर्ल्ड बन गया, बधाई हो। अब इसके बाद में अगला एस्पेक्ट जो आएगा वो क्या आएगा, अगला एस्पेक्ट जो आना है वो ये आना है कि इस ग्लोबल वर्ल्ड में इंडस्ट्रीज ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो वो इंडस्ट्रीज कैसे इवॉल्व हुई है, उस इंडस्ट्री के इर्द गिर्द जो पूरी थीम है ना, वही इस चैप्टर की है। व्हाट द चैप्टर इज ऑल अबाउट, तो कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से समझेंगे कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन वेस्टर्न कंट्रीज में आया, और कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में आया, इंडिया में कैसे इंडस्ट्रीज डेवलप हुई। तो एक वेस्टर्न पर्सपेक्टिव और एक इंडियन पर्सपेक्टिव दोनों आपको इस चैप्टर में जानने को मिलेगा ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब क्या है, कि कैसे इंडस्ट्रीज डेवलप हुई है। आगे अगर बढ़े हम, तो यहां पे चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है दो पिक्चर्स के साथ में। कौन सी, जैसे आपने चैप्टर वन देखा था, चैप्टर वन हमारा स्टार्ट हुआ एक कह सकते हैं दी ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक वाली इमेज के साथ में। वैसे अगर आप यहां देखोगे, तो यहां भी एक इमेज दी गई है चैप्टर के स्टार्टिंग में। इमेज का टाइटल है दी डॉन ऑफ सेंचुरी। दी डॉन ऑफ सेंचुरी मतलब क्या, कि एक शताब्दी का नया प्रारंभ होना। अब जैसे अगर आप देखोगे यहां पे, तो एक एंजल है, एक एंजल जो है तो एक किसके ऊपर, एक व्हील के ऊपर बैठी हुई है, और उसके बैकग्राउंड में आपको मशीन देखने को मिल रही है, ट्रेन का इंजन, गाड़ी और कैमरा और बहुत सारी चीजें। ईटी पॉल ने ये इमेज बनाई थी, ठीक है। अब ये ईटी पॉल ने जो इमेज बनाई थी, एक म्यूजिक एल्बम के ऊपर लगना था ये इमेज, लेकिन ये क्या दर्शाती पता है, ये दर्शाती है, ये जो इमेज है ये दर्शाती है कि किस तरह से उस समय पे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हो रहा था, जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज, मशीनरीज, ये सारी चीजें आ रही थी, उसको किस तरह से ग्लोरीफाई किया जाता है, उसको किस तरह से ग्लोरीफाई किया जाता है, उस चीज को यहां पर क्या किया गया है, दर्शाया गया है, उस चीज को यहां पर दर्शाया गया है। तो अब जैसे अगर हम आगे बढ़े, एक और इमेज आती है, कौन सी एक और इमेज आती है, तो टू मैजिशियंस। अब ये टू मैजिशियंस वाली जो इमेज है, तो ये इमेज में आपको क्या देखने को मिलता है, ये इमेज जो है, तो यहां पे आपको दो इमेज देखने को मिल रही है, कि ऊपर की तरफ अलादीन है, अलादीन का चिराग, हुकुम मेरे आका वाला, वहां पे लिखा है ओरिएंटल, और एक इमेज जो है तो ये वर्कर की है, ये वर्कर जो है तो हाथ में मशीन है इसके, और ऊपर क्या लिखा है, ऑक्सीडेंटल। तो दो वर्ल्ड को कंपेयर किया गया, और इमेज के ऊपर टाइटल क्या दिया गया, टू मैजिशियंस। तो जैसे पहले अलादीन के चिराग से जिन निकलता था, हुकुम मेरे आका महल बना दो, महल बना देता था, तो जो पहले जादू लगता था ना, वो अलादीन करता था। ओरिएंटल वर्ल्ड मतलब जो ईस्ट के वर्ल्ड, ईस्टर्न कंट्रीज है, उनके लिए जो हर चीज जादू से हुई होती है, ऐसा माना जाता था कि वो प्रिमिटिव है और सब जादू से हो रहा है वहां, तो और वही जादू जो है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग और ये सारा सब कुछ मॉडर्न वर्कर कर पा रहा है अपनी मॉडर्न मशीन से, ये ऑक्सीडेंटल वर्ल्ड के लिए बताया जा रहा है। मतलब ऑक्सीडेंटल यानी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जो इंडस्ट्रियलाइज हो चुकी है। तो ये दोनों इमेजेस जो है, तो ये टू मैजिशियन एक इमेज है, और एक है डॉन ऑफ सेंचुरी, ये दोनों इमेजेस जो है, ठीक है, तो एसोसिएशन ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड विद द रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एंड इनोवेशंस, दोनों इमेज ये बता रही है कि जिस तरह से एक आज हम मॉडर्न वर्ल्ड में जी रहे हैं, तो ये मॉडर्न वर्ल्ड मॉडर्न क्यों है पता है, क्योंकि पुराने समय में जितना आज इंडस्ट्रीज के कारण जितना डेवलपमेंट आया, मोस्ट ऑफन क्या हो रहा है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन को डेवलपमेंट से जोड़ दिया जा रहा है, कि इंडस्ट्रीज आई तभी रोड बने, इंडस्ट्रीज आई तभी टेक्नोलॉजी आई, तभी मशीन आई, तभी सब कुछ हुआ। तो यहां पे वही बताया गया कि मॉडर्न वर्ल्ड जो है, तो उसको रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस और इनोवेशन के साथ जोड़ के देखा जा रहा है, और इन दोनों इमेजेस का वो तात्पर्य है। फाइन, दोनों इमेजेस का तात्पर्य, एग्जाम में आपको ये पूछा जा सकता है कि डॉन ऑफ सेंचुरी इमेज क्या दर्शाती है, टू मैजिशियन क्या दर्शाता है। सिंपल चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। आगे बढ़े,
तो बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अब देखो क्या है, ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रीज आई तब इंडस्ट्रीज में कपड़े बने और तभी हमने कपड़े पहने, उसके पहले तो हम बिना कपड़े के घूम रहे थे। तो तब भी क्या था, लाइफ थी, तब भी लोग जी रहे थे, तब भी लोगों की जो नीड्स थी वो पूरी तो हो रही थी। अब पॉइंट ये आता है यहाँ पे क्या कि जरूरतें पहले कैसे पूरी हो रही थी जब इंडस्ट्रीज नहीं आई थी। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब जब लार्ज स्केल पे फैक्ट्रीज वगैरह नहीं थी, तब लोगों की जरूरतें कैसे पूरी होती थी, तो उसके पहले का जो समय था ना, तब प्रोडक्शन कैसे होता था, प्रोडक्शन बिफोर द कमिंग अप ऑफ फैक्ट्री, पहले भी हमारी जरूरतें पूरे हो रही थी, पहले भी हमें कपड़े बन के मिलते थे, ऐसा नहीं कि पत्ता लगा के घूम रहे हैं। तो पॉइंट क्या हो रहा है ना, तब जैसे अगर आप देखोगे तो तब पहले जरूरतें हमारी कैसे पूरी होती थी, तो तब जरूरतें पूरी करने के लिए प्रोटो इंडस्ट्रियल पीरियड कहा जाता है उस टाइम पीरियड को, और तब जरूरतें पूरी करने के लिए जो प्रोडक्शन हो रहा था वो घरों में होता था, वो बड़े स्केल पे नहीं होता था, छोटे स्केल पे होता था, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाली चीज थी जब, ठीक है। तो बिफोर द कमिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज द पीरियड वॉज मार्क्ड या फिर द पीरियड वॉज नोन एज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, उस पीरियड को प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाता था। जैसे डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम जाएं तो क्या होगा कि दिस पोस्ट इंडस्ट्रियल सिस्टम, मतलब पोस्ट नहीं होगा यहां प्री होगा, तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन को हम क्या कहेंगे कि इंडस्ट्रीज के आने के पहले प्री इंडस्ट्रियल सिस्टम था, दस पार्ट ऑफ अ कमर्शियल नेट एक्सचेंज, कमर्शियल एक्सचेंज मतलब सामान वहां भी बनते थे, खरीदे जाते थे, बेचे जाते थे, बिफोर द कमिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज। तो फैक्ट्रीज के आने के पहले के समय को प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जा रहा है। फाइन, इट वॉज कंट्रोल्ड बाय मर्चेंट्स एंड द गुड्स वर प्रोड्यूस्ड बाय अ वास्ट नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स। ये जो नेटवर्क था ये मर्चेंट्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता था, ये नेटवर्क मर्चेंट्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता था, जहां पे क्या हो रहा था, जहां पे जैसे आप देखेंगे तो गुड्स वगैरह को कौन कंट्रोल करता था, सारे मर्चेंट जो होते तो सामान लेना सामान देना, इस तरह से सिस्टम चलता था, विद इन देयर फैमिली फार्म्स नॉट इन फैक्ट्रीज। और जो मर्चेंट्स के लिए काम करने वाले वर्कर्स होते थे वो भी अपने घरों में काम करते थे, फैक्ट्रीज में काम नहीं चल रहा था, फैक्ट्रीज में काम नहीं चलता था, अपने घरों से काम किया करते थे वो। फाइन, तो ये आपको क्या देखने को मिला, ये आपको प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन की डेफिनेशन देखने को मिली। फाइन, ध्यान रहेगा तो बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब इंडस्ट्रीज नहीं आई, उसके पहले क्या स्थिति थी, उसके पहले जो प्री इंडस्ट्रियल सिस्टम था वो कमर्शियल एक्सचेंजेस का नेटवर्क पर बेस्ड था, जहां पे प्रोडक्शन लोग घर में करते थे, फैक्ट्रीज नहीं थी। फाइन, अब क्वेश्चन आएगा कैसे होता था प्रोडक्शन घर में, तो सिंपल सी चीज है कि मर्चेंट्स वो कैटलिस्ट होते थे, मर्चेंट्स वो पूरे के पूरे इंडस्ट्रियल सिस्टम को चलाते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, मतलब शहर से गांव में गए, अच्छा शहर में क्यों नहीं सर वो काम कर लेते थे, क्योंकि शहर में ट्रेड गिल्ड्स वगैरह होती थी, जिसको राजा ने राइट्स दे के रखे होते थे कि कुछ शहर के ट्रेडर थे वही शहर में सारा ट्रेड करेंगे, दूसरे नए लोगों को एंट्री नहीं देते थे। तो जो मर्चेंट्स वगैरह जिनको दो पैसा कमाना होता था गांव जाते थे, गांव में क्या करते थे, जाके एडवांसेस का सिस्टम चलता था कि गांव के लोगों को एडवांस दे देते थे, यार पैसे रख लो, ठीक है। अब पैसे क्यों दे देते थे, ऐसा नहीं कि दिवाली की इनाम देके जा रहे हैं उनको, वो पैसे इसलिए देते थे ताकि ताकि क्या हो, ताकि जो वो है क्या बोलते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं कहेंगे मर्चेंट जो है, कि वो मर्चेंट्स जब बाद में लौट के आए तो उनसे बोले कि हमने आपको पैसे दिए थे, आपको काम करना था, आपको कपड़ा बुनना था, आपने बुन के रख लिया क्या। तो वो सिस्टम ऑफ एडवांसेस चलता था जहां पे मर्चेंट्स गांव में जाते थे, एडवांस देते थे, एडवांस देने के बाद में क्या होता था, प्रोडक्शन होता था, किस चीज का, वही एडवांस दे दिया किस चीज का, काम करने का, कि कपड़े बना के रखना। अब वही प्रोडक्शन को उठा लेते थे मर्चेंट्स वहां से और थैंक यू बोलते थे, बोलते और आएंगे फिर और एडवांस देके जाएंगे और कपड़ा बना के रखना, ठीक है। और वो जो क्लोज रहते थे तो वो जो प्रोडक्शन हुआ है इस पूरे प्रोसेस में गांव में जो लोगों ने किया है उसको फिर क्या कर दिया जाता था, इंटरनेशनल मार्केट में बेच दिया जाता था। तो इस तरह से प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो सिस्टम था वो ऐसे ऑपरेट रहता था, ठीक है। और मर्चेंट्स वर लाइक दिस इज बिजनेस, ठीक है, इस तरह से वो अपना अपनी रोजी रोटी कमाते थे, और इस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में जो डिमांड होती थी वो भी ऐसे फुलफिल होती थी, कोई फैक्ट्रीज वगैरह नहीं थी, ठीक है, कोई फैक्ट्रीज वगैरह नहीं थी। अब पॉइंट यहां पे आता है कि व्हाई मर्चेंट्स मूव टू कंट्री साइड, पहली चीज तो क्या है कि शहर में उनको काम करने नहीं दिया जाता था, शहर में ऑलरेडी वहां पे एस्टैब्लिश ट्रेडर्स वगैरह थे, तो मर्चेंट ने सोचा यहां अपनी दाल नहीं गलेगी, गांव चलते हैं। अब वो गए भी वहां पे, ठीक है, तो जाने के बाद में अगला सवाल ये आता है कि वहां पे जो पुअर पीपल है जो उनको प्रोड्यूस करके देंगे, कपड़े बना के देंगे, वो फ्री बैठे थे क्या कि मर्चेंट्स का इंतजार था, आइए आप ही का इंतजार है, नहीं। ये भी एक सवाल बनता है कि पुअर पीजेंट्स जो है तो वो उनके लिए काम कर क्यों लेते थे। तो अगेन द क्वेश्चन इज रीजन व्हाई पुअर पीजेंट्स एंड आर्टिशंस वर्क फॉर मर्चेंट्स। तो पहली चीज तो ये कि मर्चेंट्स गांव की तरफ गए क्यों, तो द रीजन इज सिंपल, क्योंकि शहर में उनकी दाल नहीं गल रही थी, दे वर नॉट एबल टू कम्पीट विद द ट्रेड गिल्ड्स व्हिच वर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इन सिटीज। टाउन्स में ट्रेड गिल्ड्स थे, मतलब कि ट्रेडर्स के ग्रुप्स थे जिनको राजा ने रानी ने परमिशन दे रखी थी कि हाँ तुम चलो अपना काम करते रहो।
तो इसके लिए वो गांव गए। और दूसरा सवाल कि गांव में जो पीजेंट्स और वर्कर्स थे, आर्टिशंस थे, वो मर्चेंट्स के लिए काम कर क्यों लेते थे? तो देखो, पुअर पीजेंट्स जो होते थे तो उनकी इनकम वैसे भी डिक्लाइन हो रही थी। क्यों? क्योंकि खेती में उतना इनकम हो नहीं रहा था उन्हें। तो जब मर्चेंट्स उनके पास गए तो उन्होंने बोला, ऐसे भी खाली बैठ के हम ताश ही खेल रहे हैं, तो बेहतर ये होगा क्या कि ये मर्चेंट्स के लिए काम कर लेंगे, और घर से ही काम करना है, वर्क फ्रॉम होम है, ठीक है। तो क्या हुआ कि जैसे जैसे पुअर पीजेंट्स के, आर्टिशंस के ओपन फील्ड्स डिसअपीयर हो रहे थे, लैंड कम हो रही थी, एग्रीकल्चर में उतना प्रोडक्शन हो नहीं रहा था, ठीक है, तो जो मर्चेंट्स आए और मर्चेंट्स ने उन्हें एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम जब दिखाया ना कि दो पैसे यहां से कमा लो, तो दिस हेल्प्ड द पीजेंट्स, ठीक है, तो दिस सप्लीमेंटेड देयर श्रिंकिंग इनकम। तो जो पीजेंट्स की, आर्टिशंस की इनकम डिक्लाइन हो रही थी, तो डिक्लाइनिंग इनकम में उनको क्या मिल गया, थोड़ा सा सपोर्ट मिल गया, और उस सपोर्ट के चलते उन्होंने देखा कि दो पैसा ज्यादा कमा लेंगे, और उसी के चलते ये प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला सिस्टम डेवलप हुआ, जहां पे एक मर्चेंट के अंडर में बहुत सारे ऐसे पीजेंट्स और आर्टिशंस होते थे, वो गांव गांव जाते थे, उनको एडवांस देते थे, उनसे ऑर्डर कलेक्ट करते थे और इंटरनेशनल मार्केट में बेच देते थे। तो ये जो सिस्टम था, कोई भी फैक्ट्री नहीं है यहां, ये जो सिस्टम है बिना फैक्ट्रीज के चल रहा है, टाउन और मतलब कह सकते हैं कंट्री साइड को आप क्या देख रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट से जोड़ रहा है, इस सिस्टम को प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा गया। इस सिस्टम को प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा गया, ठीक है, बधाई हो, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। अब जब तक इंडस्ट्रीज नहीं आई तब तक तो ऐसे चल रहा था प्रोडक्शन, फिर इंडस्ट्रीज आ गई और उसी को हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो हमने थोड़ा सा बैकड्रॉप पढ़ दिया कि कैसे इंडस्ट्रीज फ्लरिश करी एट द एंड, ठीक है। तो अब क्या होगा, फैक्ट्रीज आएगी, बधाई हो, द कमिंग अप ऑफ फैक्ट्री। तो फैक्ट्री क्या है, अब सारा काम एक ही जगह पे होगा, सारा काम एक ही जगह पे होगा। तो आपको समझना होगा कि जैसे जैसे क्या होता गया कि मर्चेंट्स जो थे, अब इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड हमेशा बढ़ी ना, चीजों की घटी तो नहीं है, तो अब और फास्ट और ज्यादा अमाउंट में आपको क्या चाहिए था, प्रोडक्शन चाहिए था और गुड्स चाहिए थे। तो जैसे जैसे कॉटन प्रोडक्शन बूम होता चले गया, रॉ कॉटन बहुत प्रोड्यूस कर रहे हैं लोग, तो रॉ कॉटन को ऐसा थोड़ी ना कि सब्जी लगा के खाने लगेंगे, तो रॉ कॉटन का इस्तेमाल भी करना है आपको, ज्यादा से ज्यादा फैब्रिक बनाना है, थ्रेड बनाना है, ठीक है, क्लोथ बनाना है। तो इसी के चलते आपको क्या देखने को मिलता है कि जैसे कॉटन प्रोडक्शन बूम हुआ, जैसे 2.5 मिलियन पाउंड रॉ कॉटन इंपोर्ट किया जाता था 1760 में, 1786-87, ठीक है, 1787 आते आते क्या होता है, ये जो इंपोर्ट किया जाता था यूरोप में वो एक्सपैंड हो गया 22 मिलियन पाउंड पे, 17 साल में देख लो 10 गुना लगभग, ठीक है। तो जब कॉटन का प्रोडक्शन बूम हुआ, ठीक है, तो ये कॉटन का प्रोडक्शन बूम हुआ तो जैसे इंपोर्ट कर रहे हैं कॉटन अपने कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज अलग अलग जैसे ब्रिटेन वगैरह में, तो कॉटन का कर क्या रहे होंगे, अगेन सब्जी लगा के खा नहीं रहे, उससे कपड़ा ही बन रहा होगा ना, प्रोडक्शन बढ़ा, इंपोर्ट बढ़ा, तो अब वो प्रोडक्शन बढ़ा तो हाथों से पॉसिबल नहीं था कि वो जो पीजेंट्स हैं और जो आर्टिशंस हैं वो गांव में बैठ के इतना तेजी से प्रोडक्शन कर पाए। तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हुआ, और फिर अब क्या है कि जो स्कैटर्ड तरीके से प्रोडक्शन होता था, स्कैटर्ड तरीके से प्रोडक्शन होता था, उसको एक छत के नीचे लेके आए, दिस इज नोन एज द कमिंग अप ऑफ अ फैक्ट्री, ठीक है। तो इस तरह से फैक्ट्रीज आई कि अब सारा प्रोडक्शन एक ही छत के नीचे होने लगा, ठीक है। तो सीरीज ऑफ इन्वेंशन इन प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस में सीरीज ऑफ इन्वेंशन हुआ, उसी के कारण ये कॉटन का इंपोर्ट बढ़ा, कॉटन का जैसे अगर आप देखेंगे यूज बढ़ा, क्या इन्वेंशंस हुए, तो जैसे अगर आप देखेंगे कॉटन मिल एस्टैब्लिश कर दी गई, जहां आप हाथ से काम नहीं कर रहे, मशीन से पावर लूम से काम चल रहा था। तो रिचर्ड आर्कराइट जो थे, ध्यान रखना, ही वाज द पर्सन हु एस्टैब्लिश द फर्स्ट कॉटन मिल। अब कॉटन मिल एस्टैब्लिश हो गई तो अब क्या है कि प्रोडक्शन प्रोसेस फास्ट एनफ हो गया, ठीक है, अब प्रोडक्शन प्रोसेस फास्ट एनफ हो गया। उसी के साथ साथ जैसे देखोगे कि पहले जो कंट्री साइड में प्रोडक्शन होता था ना, तो अब क्या है, अब वो कंट्री साइड में प्रोडक्शन ना होते हुए अब टाउन्स में जो ट्रेडर्स वगैरह थे, तो उन्होंने अपना कॉटन मिल रखवा ली, उन्होंने क्या कर लिया, एक छत के नीचे सारा काम करवाना चालू कर लिया। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या हुआ कि कंट्री साइड से टाउन की तरफ मूवमेंट देखने को मिला आपको, किस चीज का, प्रोडक्शन प्रोसेस का, ठीक है। अब शहर से लोग गांव की तरफ चले गए, सॉरी गांव से लोग शहर की तरफ चले गए, ठीक है, गांव से लोग शहरों की तरफ मूव कर गए, मैनुअल से मशीन की तरफ मूव कर गए कि अब जो प्रोडक्शन है विद द कमिंग अप ऑफ फैक्ट्री, ठीक है, अब हाथ से काम नहीं हो रहा है, पावर लूम्स वगैरह आ गई थी जिससे काम क्या हो रहा था, जिससे जिससे अगर आप देखेंगे तो तेजी से और ज्यादा प्रोड्यूस किया जा सकता था। होल प्रोडक्शन प्रोसेस केम अंडर वन रूफ, और जब सब एक ही छत के नीचे काम हो रहा था तो उसी को हम क्या कहते हैं, द कमिंग अप ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्रीज आ गई इस तरह से। अब जब फैक्ट्रीज आ गई तो अब देखो एक चीज समझना है आपको, फैक्ट्रीज के आने से हुआ क्या कि जो ओपन स्पेस थी वो डिसअपेयर होने लगी। ओपन स्पेयर कैसे डिसअपेयर होने लगी कि अब वहां इंग्लिश लैंडस्केप जो है तो दैट वाज चेंज, टोटली चेंज, ठीक है, खाली जगहों पे कारखाने बना दिए गए जिनके अंदर में प्रोडक्शन प्रोसेस चलता था। मर्चेंट्स जो थे तो उन्होंने भी फिर टाउन्स में ही अपने क्या करना एस्टैब्लिश कर दिए,
आउटपुट यूनिट्स एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिए, ठीक है, प्रोसेसिंग यूनिट्स, ठीक है। अब जैसे अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा सिनेरियो लैंडस्केप चेंज हो गया, ठीक है। जो खाली जगह आई थी वहां पे फैक्ट्री लगी, वहां प्रोडक्शन चल रहा था, दिस इज नोन एज द कमिंग अप ऑफ फैक्ट्री। बट यू हैव टू रिमेंबर, बट अंडर द डेजलिंग इंपैक्ट ऑफ न्यू मिल्स, ये जो नई कॉटन मिल्स आ रही, फैक्ट्रीज आ रही है, पीपल ऑलमोस्ट फॉरगोट द वायलेंस, ठीक है। तो जो पहला प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का सिस्टम था, तो नो डाउट कहीं ना कहीं वो क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के सिस्टम में। आपको ये देखना होगा कि लोगों ने वायलेंस को भूल गए, वायलेंस मतलब कि एक लेन चल रही है उसके बराबर में इंडस्ट्रीज तो अभी आई है, उसके पहले जो प्रोडक्शन होता था उसको लोग भूलते चले गए। जैसे स्मार्टफोन के नाम पे आज आप देख रहे हैं कि इतना स्मार्ट हो गया कि वो पुराने कीपैड फोन को लोग भूल गए, तो वैसा वाला केस हुआ कि लोगों ने जो कंट्री साइड प्रोडक्शन था प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन उसको भूलते चले गए। कमिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज में रिचर्ड आर्कराइट ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहता है, क्वेश्चन बन के आता है। अगला टॉपिक जैसे अगर आप देखोगे, मतलब केस ये भी है, टॉपिक से पहले एक मीम की टाइमिंग आगे पीछे होगी, लेकिन समझना है क्या कि कंट्री साइड में जो प्रोडक्शन हो रहा था तो उन्हें ऐसा लगा यार गजब बेइज्जती है, क्यों, क्योंकि अब मिल प्रोडक्शन इतना फैसिनेटिंग हो गया था कि अधिकतर प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो वहां पे देखने को मिल रही थी, शहरों में देखने को मिल रही थी, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला सिस्टम ब्रेकडाउन होता चला गया था। आगे बढ़ते हैं, पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज, इंडस्ट्रीज आई, बधाई हो इंडस्ट्रीज आई, ठीक है। लेकिन वो इंडस्ट्रीज ने ऐसा नहीं है कि रातों रात खेल पलट दिया या रातों रात इंडस्ट्रीज जो है वो सब कुछ चेंज कर दिया। आपको ये समझना होगा कि जो इंडस्ट्रीज आ रही थी ना, तो इंडस्ट्रीज आ रही थी उनका जो पेस था ना, जिस स्पीड से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था वो ऐसा नहीं था कि बहुत डिसरप्टिव था, स्लोली एंड ग्रेजुअली चेंज आया। तो हम आपको सवाल यहां पर बनता है, ठीक है, कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज या फिर चेंजेस विच अकर ड्यूरिंग द कमिंग अप ऑफ फैक्ट्री, हाउ द इंडस्ट्रियलाइजेशन कैन नॉट बी सेड टू बी डिसरप्टिव इन ऑल टुगेदर, हाउ द मतलब आपको कुल मिला के सवाल तो बहुरूपिया होता है, मैं हजार बार बता चुका हूं आपको, सवाल बहुरूपिया होता तो आपको ये चीज ध्यान रखना होगी कि अगर ये पूछा जाए कि इंडस्ट्रीज कैसे मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो हो रहा था तो किस स्पीड से हो रहा था वो सारा सब कुछ, तो आपको चार पॉइंटर्स यहाँ ध्यान रखना है। सबसे पहले तो क्या है कि पहली चीज की दी मोस्ट डायनामिक इंडस्ट्रीज वर क्लियरली कॉटन एंड मेटल्स। इसका दोनों पर्सपेक्टिव से देखो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हो रहा था तो उसमें ऐसा नहीं है कि सारी इंडस्ट्रीज बदल रही थी, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में ऐसा नहीं है कि सारी इंडस्ट्रीज बदल रही थी। इनिशियली आप देखेंगे तो कॉटन मिल्स वगैरह आई तो पहले कॉटन में बहुत ज्यादा आपको क्या देखने को मिल रहा था, डेवलपमेंट कॉटन इंडस्ट्रीज में, और फिर एक समय के बाद में मिड ऑफ मतलब 19th सेंचुरी देखेंगे तो उसके बाद में प्रोडक्शन प्रोसेस जो है तो वो ज्यादा कंसंट्रेट हो गई मेटल इंडस्ट्रीज पे, ठीक है। तो रातों रात चीजें डिसरप्ट नहीं हो रही थी, बदल नहीं रही थी, कुछ इंडस्ट्रीज जो थी वो डायनामिक इंडस्ट्रीज थी, वहां पे आपको इंडस्ट्रियल चेंज देखने को मिल रहा था, सच एज कॉटन एंड मेटल्स। दूसरा पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज वॉज नॉट ईजी। नो डाउट कॉटन मिल्स आई, फैक्ट्रीज आई, देर वॉज द डेजलिंग इंपैक्ट ऑफ इट, लोग चकाचौंध हो गए थे क्या एक ही छत के नीचे सारा काम हो रहा है, फास्ट काम हो रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जो थी तो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज एकदम पूरी तरह से खत्म हो गई, नहीं, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज तब भी सर्वाइव कर गई थी। कैसे सर्वाइव कर गई ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, तो एक एग्जांपल देता हूं कि फैक्ट्रीज आई जरूर लेकिन मेजर प्रोडक्शन तब भी कंट्री साइड में हो रहा था, यह था कि फास्ट एफिशिएंट और कुछ नया आपको फैक्ट्रीज में देखने को मिल रहा था, लेकिन मेजर प्रोडक्शन तब भी कहां हो रहा था, मेजर प्रोडक्शन तब भी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में ही हो रहा था। तो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज वर लाइक जलवा है हमारा, क्यों, क्योंकि मॉडर्न इंडस्ट्रीज के आने के बावजूद भी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज पूरी तरह से डिसरप्ट नहीं हुई थी, खत्म नहीं हुई थी। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में भी आपको क्या देखने को मिल रहा था कि लोग एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में मेजोरिटी पीपल वर वर्किंग स्टिल वर्किंग देयर, ठीक है। तीसरा पॉइंट जिस देखोगे, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज टू हैड डेवलपमेंट, दे वर नॉट स्टैग्नेंट। अब देखो क्या होता है ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, क्या खरबूजा है यहाँ पे, तो यहाँ अगर खरबूजे की बात करें हम तो यहाँ पे खरबूजा ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है। कैसे ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज खरबूजा है कि जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज आई ना, तो वो मॉडर्न इंडस्ट्रीज में हम देखा कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस थे, तो जो गांव में प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पीरियड में ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जो हाथ से काम करने वाले वीवर्स थे, आर्टिशंस थे, उन्होंने भी देखा कि हमें भी थोड़ा बहुत तो अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो हम मार्केट से आउटडेट हो जाएंगे। जैसे हमारे पेरेंट्स के समय पर स्मार्टफोन नहीं रहा, लेकिन अब जैसे स्मार्टफोन जब आया तो ऐसा है कि उन्होंने भी स्मार्टफोन के साथ अडॉप्ट कर लिया ना, तो वही चीज यहां पे भी है क्या कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज टू हैड डेवलपमेंट, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज स्टैग्नेंट नहीं थी, वो रुकी नहीं रह गई। तो जैसे जो भी इंडस्ट्रीज थी, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज, बेवरीज वगैरह थी और सारा, तो उन छोटी इंडस्ट्रीज में भी छोटे स्केल में कुछ ना कुछ बदलाव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। जैसे अभी लास्ट में जब हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रीडोमिनेंट टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां फ्लाई शटल का इनोवेशन जैसे अडॉप्ट कर लिया था।
ठीक है, तो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज पूरी तरह से खत्म नहीं हुई, उन्होंने अपने आप को बदला समय के हिसाब से। तो दिस वॉज द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज, कि ऐसा नहीं कि फैक्ट्रीज के जाने से ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज पूरी तरह खत्म हो गई। चौथा पॉइंट जो है ना, कि ये जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए थे द कमिंग अप ऑफ फैक्ट्री में, क्या बताया गया कि अब कॉटन मिल्स आ गई, सब कुछ एक छत के नीचे होने लगा। तो इसको हम टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के एस्पेक्ट से देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहे हैं और जिससे प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन से चीज हटके अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएगी। लेकिन आपको यह समझना होगा कि टेक्नोलॉजी वही रातों रात लोगों ने अडॉप्ट नहीं करी, टेक्निकल जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस थे दे वर स्लो टू कम अप। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको समझाता हूं क्या कि टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना एक्सपेंसिव थी, तो देख जरूर रहे थे, जैसे आज भी हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी तो ये आ गई है कि आप क्या कर सकते हो, आप इंसान का एक क्लोन बना सकते हो, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है ना वो टेक्नोलॉजी, तो वो टेक्नोलॉजी आम जनता के बीच में आने में बहुत समय लग जाएगा, समझ लो। तो यहां पे आपको चीज समझना होगी कि व्हाई द टेक्नोलॉजिकल चेंज अकर्ड स्लोली, तो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट। तो पहली चीज तो टेक्नोलॉजी जो थी बहुत एक्सपेंसिव थी, दूसरी चीज इंडस्ट्रियलिस्ट वर कॉशियस अबाउट यूजिंग इट, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे ना वो बड़े सचेत रहते थे उसको इस्तेमाल करने से पहले, उन्हें ऐसा लगता था क्या कि मशीन रखवा तो लेंगे, मशीन रखने के बाद में उसका मेंटेनेंस, ठीक है, मेंटेनेंस के बाद में उसको चलाने के लिए ऑपरेटर, समझ आएगा नहीं आएगा, खराब हो रहा है, टूट रहा है, फूट रहा है, तो उसकी इफेक्टिवनेस पे क्वेश्चन मार्क रहता था। तो जो कह सकते हैं जो मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, तो देवर नॉट दैट विलिंग टू यूज द मशीन। एक एग्जाम्पल दिया गया किसका, स्टीम इंजन का। जेम्स वॉट ने 1781 में स्टीम इंजन बना लिया, ठीक है, डिस्कवर कर लिया। मैथ्यू बोल्टन जो है तो उन्होंने उसके नए मॉडल्स वगैरह को मैन्युफैक्चर कर लिया, लेकिन एक लंबे समय तक जैसे अगर आप देखोगे तो उन्हें उनके स्टीम इंजन के लिए बायर ही नहीं मिले। क्यों बायर नहीं मिले? क्योंकि पीपल वर वेरी कॉशियस अबाउट यूजिंग द टेक्नोलॉजी। तो पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज अगर टॉपिक बनता है तो ध्यान रखना है आपको कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो व्हाट वाज द पेस ऑफ दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो आपको ये समझना होगा कि हर इंडस्ट्री में पहली बात तो आपको उतना डायनामिक लेवल पे आपको इंपैक्ट देखने को नहीं मिल रहा था। कॉटन और आयरन जैसी कुछ इंडस्ट्रीज थी जहां प्रोमिनेंट इंपैक्ट था, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को खत्म करना आसान नहीं था। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, मेजोरिटी ऑफ पीपल वर स्टिल वर्किंग इन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज ओनली, हैंड लेबर वाला काम चल रहा था, ठीक है। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जो थी तो उन्होंने खुद अपने आप को मॉडिफाई किया और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस वर स्लो टू कम अप। तो ये पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज हो गया। आगे बढ़ते हैं, हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। तो अब जैसे जो लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा ना कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस वर स्लो टू कम अप, उसमें मैंने वाई लगाया, तो उसी से डिराइव होता हुआ एक और टॉपिक आ गया, हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। तो अब ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप में हो भी रहा है ना, तो इस इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट बनेंगे, वो लोग क्या प्रिफर कर रहे थे? वो लोग मशीन चाह रहे थे पूरा या हैंड लेबर चाह रहे थे? सवाल आपके सामने, आप दो मिनट के लिए खुद सोचो। देखो, तो जो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स थे ना, वो हैंड लेबर पर ज्यादा रिलाय कर रहे थे इन द इनिशियल फेज। आज आप देखेंगे तो आज यूरोप में क्या सब मैकेनाइज्ड हो गया, आज इंडस्ट्रियलाइजेशन उस लेवल पे है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट करने की बात की जा रही है कि कुछ करना ही ना पड़े, सब अपने आप होता चले जाए, ठीक है। लेकिन शुरुआत का जो दौर रहा तो फैक्ट्री जरूर लगा दी, लेकिन उन फैक्ट्रीज में भी वर्कर्स से काम करवाओगे या मशीन से काम करवाओगे, तो लोग वर्कर प्रेफर कर रहे थे। सवाल यहां पे बनता है, अलग अलग तरह से सवाल बनता है कि व्हाई पीपल प्रेफर्ड हैंड लेबर ओवर स्टीम पावर, व्हाट वर द रीजंस व्हाई द इंडस्ट्रियलिस्ट इन द अर्ली फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रेफर्ड हैंड लेबर। किसी भी तरह से सवाल आए, आंसर आपको ये लिखना है, क्या क्या कारण थे हैंड लेबर को पसंद करने के, प्रायोरिटी देने के। तो इंडस्ट्रियलिस्ट प्रेफर हैंड लेबर ओवर स्टीम पावर एंड व्हाट आर द रीजंस, मतलब उसके पहले कि आप याद करो, इस चीज को विजुअलाइज कर लो कि इंडस्ट्रियलिस्ट टू मशीन्स, ना 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 ना, ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट टू हैंड लेबर या फिर कह सकते हैं वर्कर्स, तो वर्कर्स को क्यों प्रेफर करते थे उसका कारण बता रहा हूं मैं आपको। पहला कारण है प्लेंटी ऑफ लेबर, ठीक है, लेबर का विक्टोरियन एज में अगर जिससे बात करें तो लेबर का अबंडेंस था, इतनी सारी जनसंख्या थी, गांव से लोग शहर में जाते थे काम ढूंढते ढूंढते, तो आपको फैक्ट्रीज में काम करवाने के लिए, हाथ से काम करने के लिए बहुत सारे लोग बहुत आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। तो देयर वाज प्लेंटी ऑफ लेबर, लेबर बहुत था। सीजनल नेचर ऑफ इंडस्ट्री, पीपल लुक फॉर और जॉब्स। अब आपको यह समझना होगा कि इतना सारा लेबर है कि लेबर आसानी से मिल गया, पॉइंट वन, ठीक है, पॉइंट वन किसके लिए, हैंड लेबर के लिए। फिर दूसरी चीज क्या है ना कि इंडस्ट्रीज भी ऐसी नहीं होती थी कि आपको साल भर काम करवाना है, ठंड में बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद हो जाती है, यूरोप वगैरह में देखोगे एक्सट्रीम विंटर्स होते हैं, तो ठंड में बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद रहती है, ठीक है, तो वहां पे मशीन खरीदना और खरीद कितना पैसा लगाना
और पैसा लगा के फिर 6 महीने बंदी पड़ी रहना है वो मशीन। तो लोगों को लगता था जब काम रहेगा, सीजनल नेचर है, 6 महीने के लिए काम रहेगा, 6 महीने के लिए लेबर को रखेंगे, 6 महीने जब काम नहीं तो लेबर को भी नहीं पैसे देना पड़ेगा, अपने पैसे बचेंगे। तो सीजनल नेचर ऑफ इंडस्ट्री के कारण क्या है कि लोग भी ऐसा है कि हाँ क्या है कि त्यौहार पे घर जा रहे हैं तो इसके लिए वो भी प्रेफर करते थे क्या कि त्यौहारों पे काम बंद रहता है, मशीन तो रखी रहेगी उसमें तो पैसा डालना ही पड़े। लेकिन वर्कर्स ऐसा है कि हाँ जब जितने समय काम पे आ रहे उतने समय पैसा दे दिया, बाकी समय पे जाओ अपने घर, उस टाइप से। तो सीजनल नेचर ऑफ वर्क होता था। मशीन्स रिक्वायर्स लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है ठीक है, मशीन में कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लगता। कैसा पैसा बहुत लगता कि मशीन में आपको एक साथ बहुत सारा, मशीन ऐसा तो नहीं बोलती कि 6 महीने काम नहीं चलेगा तो मैं तो आधे पैसे में आ जाऊंगी आपके साथ, वो तो जितना की है उतना लगाना पड़ेगा। तो इस कारण से इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे हैंड लेबर प्रेफर करते थे। मशीन प्रोड्यूस यूनिफॉर्म प्रोडक्ट्स ओनली। अब जैसे मशीन में क्या एक सांचा बना दिया गया है, एक स्ट्रक्चर है, उसी तरह के सारे प्रोडक्ट निकलते आएंगे। लेकिन अब जैसे आप देखोगे हैंड लेबर से वेरिएशन लाया जा सकता था। यूरोप में उस टाइम पीरियड में 500 प्रकार के हथौड़े बनते थे, 45 प्रकार की कुल्हाड़ियां बनती थी, और मशीन से आप इतनी वैरायटी नहीं ऐड कर सकते थे। तभी इंडस्ट्रियलिस्ट हैंड लेबर प्रेफर करते थे कि हाथ से काम करेंगे लोग तो वो क्या रहेगा कि वो यूनिकनेस ला पाएंगे। और इनफैक्ट जैसे यहाँ पे बताया भी गया है क्या कि जो एरिस्टोक्रेट और रूलिंग क्लास के लोग थे तो उनको मशीन मेड गुड्स चीप लगते थे, क्योंकि वो एक जैसे होते थे, वो स्टैंड अपार्ट वाली चीज नहीं होती थी उसमें, ठीक है। तो एरिस्टोक्रेट्स या फिर जो कह सकते हैं थोड़ा रिच सेक्शन था, वो यूनिकनेस चाहता था उनके प्रोडक्ट्स में, जो कि सिर्फ हैंडमेड गुड्स से दी जा सकती थी, जो कि सिर्फ हैंडमेड गुड्स से डाली जा सकती थी, ठीक है। तो मशीन प्रोड्यूसर्स यूनिफॉर्म प्रोडक्ट्स ओनली, ये सब लिमिटेशंस थे, इसके चलते इंडस्ट्रियलिस्ट प्रेफर्ड हैंड लेबर। तो क्या सभी जगह हैंड लेबर चलता था? नहीं। जैसे आप अगर आप देखोगे कि मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट इसलिए भी प्रेफर करते, उनको ऐसा लगता धंधा बढ़िया चल रहा है, नोटों की तो बारिश हो रही है उस टाइप से, तो देयरफॉर दे प्रेफर्ड हैंड लेबर। लेकिन आप जैसे देखोगे तो जिन कंट्रीज में लेबर शॉर्टेज था उस टाइम पीरियड में, जैसे अमेरिका में अगर आप देखोगे तो लेबर शॉर्टेज था, यूरोप में बहुत लोग थे, अभी यूरोप छोड़ छोड़ के लोग अमेरिका गए नहीं है उतने। हाँ, तो आप जिस देखोगे तो क्या है कि कंट्रीज जहां पे लेबर शॉर्टेज होती थी अमेरिका वगैरह में, तो वहां पे लोग क्या प्रेफर करते थे, ठीक है, तो देवर कीन ऑन यूजिंग मशीन्स, उन्हें लगता था कि मशीन से ज्यादा बेहतर है क्योंकि लेबर नहीं मिल रहा है, ठीक है। लेकिन जहां लेबर था और जहां सीजनल नेचर ऑफ वर्क होता था, मशीन बहुत महंगी होती थी, यूनिकनेस नहीं आ पाती थी प्रोडक्ट में, तो ड्यू टू दीज रीजन इंडस्ट्रियलिस्ट प्रेफर्ड हैंड लेबर। सवाल यहां से डायरेक्ट बनता है, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि व्हाई इंडस्ट्रियलिस्ट प्रेफर्ड हैंड लेबर ओवर मशीन मेड गुड्स, ठीक है। अब आ जाओ लाइफ ऑफ दी वर्कर। हाँ जी, सबसे इंपॉर्टेंट, इस पूरे इंडस्ट्रियलाइजेशन में हम मशीन की बात कर रहे हैं, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको समझना होगा एट दी एंड वो वर्कर है जो इस पूरे इंडस्ट्रियलाइजेशन को ड्राइव कर रहा था, ठीक है। वर्कर से पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल सिस्टम जो है वो चल रहा है। तो अब मेरा सवाल ये कि वर्कर का जीवन कैसा होता था? बड़ा अच्छा होता था क्या? नहीं, बहुत संघर्ष भरा होता था वर्कर का जीवन, तो उस पर एक नजर दौड़ाते चलो, ठीक है। माइग्रेशन फ्रॉम कंट्री साइड, तो वर्कर आता कहां से? ऊपर से नहीं गिरता था कि हाँ बस झेलो कि फैक्ट्री में काम करने के लिए वर्कर आ रहे हैं। वो वर्कर वही होते थे जो गांव में थे। अब जैसे गांव में उन्हें ऐसा लग रहा कि फसल खराब हो रही है, पैसा नहीं कमा पा रहे, तो अपने गांव छोड़ छोड़ के शहरों की तरफ चल जाते थे, ठीक है। गांव छोड़ के शहर की तरफ चले गए, तो पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम कंट्री साइड टुवर्ड्स द टाउन्स, दे बिकेम द वर्कर इन द फैक्ट्रीज। अब पॉइंट ये है कि क्या उनके लिए रेड कार्पेट एंट्री होती थी कि आइए आप ही का इंतजार है? नहीं। जब कोई गांव छोड़ के शहर जा रहा है तो उसको शून्य से सब कुछ फिर से क्या करना था, बिल्ड करना था। अब वो गांव छोड़ के शहर आया, तो अब जैसे अगर आप देखोगे तो यहां पे उसे काम मिलने की संभावनाएं कितनी है, ठीक है। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग जॉब्स ओवर हियर, ठीक है, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग जॉब्स ओवर हियर, कि उसको काम मिल ही जाएगा, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता था, ठीक है। गेटिंग अ जॉब वॉज नॉट ईजी, देर वर मेनी प्रॉब्लम्स। क्या समस्याएं आती थी? तो सबसे पहले तो जब गांव छोड़ के शहर आए तो ऐसा नहीं है कि आप कोई डिग्री लेके आए हो, आपको काम वर्कर का, मैनुअल लेबर का ही काम मिलेगा, कि आपको गधा हमाली करना पड़ेगी, मजदूरी करना पड़ेगी, ठीक है। तो आप जैसे अगर आप देखोगे तो वहां पे आप जब शहर आ रहे हो तो अगर आपको कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई कीन रिलेशन नहीं है, तो आप भटकते रहोगे शहर में। अगर आपका कोई रिलेटिव है, कोई पहले से आप किसी को जानते हो, तो आप उसके थ्रू रेफरेंस दे सकते हो। आज भी तो ये होता, मॉडर्न जमाने में उसको और कनेक्शन बोलने लगे, पहले के समय में ऐसा था कि आपके कोई रिलेटिव या फिर कीन रिलेशन होना चाहिए शहर में, जो आपके आपके बिहाफ पे क्या कर सकते हैं कि बैटिंग कर सके और आप बोल सके कि इनको काम पे रख लो या फिर आपको काम दिलवा सके, ठीक है। फिर दूसरी चीज क्या है, अब जो लोग काम करने आते भी थे ना, तो काम कैसा मिलता था, जैसे हमने अभी पिछली स्लाइड में देखा कि द नेचर ऑफ वर्क वॉज सीजनल, आपको साल भर काम नहीं मिलेगा। तो अब आप क्या है कि जब तक काम है तब तक काम कर लिया, फिर क्या हो रहा है, कुछ और जॉब्स करना पड़ती थी। तो आलू बेच रहे हैं, मतलब आलू बेच रहे हैं, दिस इज जस्ट अ मीम, पॉइंट ये है कि और जॉब्स करना पड़ती थी लोगों को। तो लोग क्या करते थे,
कि जब तक फैक्ट्री में काम है ठीक है, नहीं तो फिर शहरों में कोई दूसरा जैसे छोटा मोटा मान लो फुटपाथ वेंडर्स बन गए, इस तरह का सामान वामान बेचना, इस तरह से सर्वाइव करते थे, तो वर्कर्स की स्थिति खराब होती थी। साथ ही साथ क्या है कि अब ऐसा भी नहीं कि वर्कर्स आए मतलब काम के लिए लोग आए तो उनको काम मिल गया, कनेक्शन होना चाहिए, काम मिलेगा भी तो सीजनल नेचर का, रहने की समस्या होती थी, लोग ब्रिजेस के नीचे रात बिताया करते थे, ठीक है, तो ये सारी दिक्कतें होती थी। वेजेस वर्सेस रियल वेजेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अब आपको एक पॉइंट, ये सारे पॉइंटर्स हम बना के दिए, सारा नोट्स वगैरह सब कुछ आपको कहाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है, और इसकी मदद से आप रिकॉल कर पाएंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ दो दो चैनल पे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको बस ये करना है कि आप एक बार रिवाइज कर लो सारे इन वीडियोस के थ्रू। तो वेजेस और रियल वेजेस की अगर हम बात करें तो जब वर्कर्स आए, काम मिल रहा है नहीं मिल रहा है, सीजनैलिटी ऑफ वर्क है, लेकिन अब पैसा भी मिल रहा था ना, तो पहले तो पैसा बढ़ा ही नहीं उनका, लेकिन जब थोड़ा बहुत पैसा बढ़ा भी तो उनकी जब वेजेस उनकी जब इनकम बढ़ी भी तो महंगाई भी बढ़ रही थी, ठीक है, फिर गाना बजता था कौन सा वाला कि महंगाई डायन खाई जाते वाला, ठीक है। तो पॉइंट क्या हो रहा है ना कि वेजेस बढ़ी भी बट रियल वेजेस रिमेन द सेम, ठीक है, अगर सैलरी बढ़ी भी है तो महंगाई भी बढ़ी उतनी, महंगाई भी बढ़ी, साथ ही साथ पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि सिटीज वर ओवरक्राउडेड, लोग आए जा रहे थे गाँव से, शहरों को फुल करते चले जा रहे थे, अब जब बहुत सारे लोग आ गए तो सबको काम मिल नहीं सकता, काम तो लिमिटेड था, जनसंख्या अनलिमिटेड थी, तो अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और इस अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम के चलते आपको क्या देखने को मिल रहा है कि प्रपोर्शन ऑफ अनएम्प्लॉयड और पुअर पीपल जो है ना, तो दिस सब्सटेंशियली इंक्रीज इन दी सिटीज, टाउन्स में इसी के चलते आप जैसे क्या देखेंगे, जब प्रपोर्शन ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल पुअर पीपल बढ़ गया तो इसके चलते आपको पॉवर्टी देखने को मिल रही थी स्ट्रीट्स पे, क्राइम्स बढ़ रहे थे, ये सारी समस्याएं थी और ये वर्कर्स की ये लाइफ थी। तो व्हाट वर द चैलेंजेस इन द लाइफ ऑफ वर्कर्स, ठीक है, what were the problems which workers faced while getting a job, तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब गरीबी में गीला आटा, मतलब आटा गीला कैसे हो गया उनका, और गरीबी में और समस्या है, machines further increased the problems, ठीक है, workers मतलब बोल रहे थे कि इतने में ही सुकून नहीं मिल रहा था डेस्टिनी को, तो machines का आना शुरू हो गया। अब जब machines आए तो machines क्या होती थी, एक मशीन बहुत सारे वर्कर्स का काम खा जाती थी। एक एग्जांपल के तौर पर जैसे अगर आप देखेंगे तो जैसे आप क्या देखेंगे, स्पिनिंग जेनी दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है, स्पिनिंग जेनी जो है, तो स्पिनिंग जेनी एक मशीन है जो पहले एक स्पिंडल एक वर्कर घुमाता था, धागा बनाता था, अब वो एक मशीन बना दी कि एक वर्कर एक चरखा घुमाएगा और एक चरखे के घूमने से बहुत सारे स्पिंडल्स घूम जाएंगे धागा बनाने वाले। तो हुआ क्या कि मशीन के आने से प्रॉब्लम्स और बढ़ गई है, पीपल बिकेम हॉस्टाइल टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी, उनको लगता था कि टेक्नोलॉजी हमारा जॉब खा रही है, जैसे लोग आज एआई के टुवर्ड्स हॉस्टाइल हो गए ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों की जॉब खा जाएगी। तो क्या हो गया कि अटैक्स ऑन स्पिनिंग जेनी बिकेम वेरी प्रोमिनेंट, जैसे स्पिनिंग जेनी एक डिवाइस थी तो महिलाएं इसके ऊपर हमला कर देती थी, अब ये डिवाइस जो था स्पिनिंग जेनी, तो इट वॉज लाइक कि मुझे क्यों तोड़ा, ठीक है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। तो पॉइंट ये है कि मशीन्स वगैरह पे हमले होने लगे थे, व्हाई, बिकॉज कमिंग अप ऑफ टेक्नोलॉजीज फर्दर एग्जैग्रेटेड द प्रॉब्लम फॉर द वर्कर्स टू गेट द जॉब। ये दुर्दशा थी वर्कर्स की, दिस वॉज द लाइफ ऑफ पीपल, ठीक है, सर्चिंग फॉर द वर्क। तो समहाउ जैसे आप देखेंगे रेज ऑफ होप आपको कंस्ट्रक्शन वर्क में देखने को मिलती है कि जब शहरों में, लेकिन फिर क्या होता है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क चालू होता है, अंडरग्राउंड सबर्ब्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, रोड्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, तो जो लोग आए थे काम की तलाश में, काम नहीं मिल रहा था, उल्टा मशीन और जॉब खा रही थी, सीजनैलिटी ऑफ वर्क होता था, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, तो उनको ये जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता था इसमें एब्जॉर्ब कर लिया जाता था, काम मिल जाया करता था कभी कभार, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा, ये हमने चैप्टर का एक पार्ट, एक बोलते ना कि एक स्फीयर चैप्टर का हमारा कंप्लीट हो गया, चैप्टर को दो पार्ट में मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था, दो पार्ट क्या है, तो हमने एक वेस्टर्न पर्सपेक्टिव देखा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में कैसा हुआ, रिकॉल करें एक बार, ठीक है। तो स्टार्टिंग से कनेक्ट करोगे तो आप देखेंगे एक प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला फैक्ट रहा, मतलब प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला पार्ट रहा, फिर इंडस्ट्रीज का आना शुरू हुआ, फैक्ट्रीज धीरे धीरे आई, अब उन फैक्ट्रीज में के भी आने से रातों रात चीजें नहीं बदल गई, पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज जो था स्लो था, ग्रेजुअल था, और उस इंडस्ट्रियल चेंज में भी इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे तो दे प्रिफर्ड हैंड लेबर, क्यों प्रिफर करते थे, वो सारे पॉइंट्स। अब एट दी एंड अगर देखोगे तो वर्कर्स की क्या स्थिति थी, तो वर्कर्स की स्थिति हमने पिछली स्लाइड पे पढ़ दी, तो हमने देखा कि हाँ वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ऐसे इंडस्ट्रीज आई, और इंडस्ट्रीज के आने से किसकी क्या क्या स्थिति रही है वो हमने पूरा समझ लिया। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं, एक कदम और आगे बढ़ने पे हमें क्या मिलेगा, एक कदम और आगे बढ़ने पे हमें मिलेगा इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉलोनीज, हम चैप्टर के सेकंड पार्ट में आ गए कि यूरोपियन कंट्रीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले हुआ, वो एडवांस थे टेक्नोलॉजिकली, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे घर में थे, ठीक है। अब लेकिन वो एडवांस्ड इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस यूरोपियंस जो थे
उन्होंने जगह जगह अपनी कॉलोनीज बना ली, मतलब उन्होंने कब्जा कर लिया, जैसे ब्रिटेन के लोग इंडिया पे आके बैठ गए, तो इंडिया में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन आया। इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे आया, इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्या इंपैक्ट थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉलोनीज से हम इंडियन पर्सपेक्टिव से चीजों को समझेंगे। ठीक है, यहां से शुरू करते हैं। तो अब देखो क्या है, पहला टॉपिक है आपका द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के बाद में कपड़ा जो था, टेक्सटाइल यानी कपड़ा, ठीक है, मैं 10th क्लास तक मुझे लगता था कि टेक्सटाइल जो है तो टाइल्स वाइल्स बनती होगी वहां पे, ठीक है, तो पुअर मी। अब आगे जैसे पढ़े हम, तो द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल में क्या बताया गया कि इंडियन टेक्सटाइल जो था ना तो उसकी बहुत वैल्यू थी वर्ल्ड वाइड। अब क्या हो रहा है कि यूरोप में इंडस्ट्रीज नहीं आई है, उसके पहले तक, जब यूरोप में इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं आई उसके पहले तक हमारे यहां से सामान ले जाया जाते थे, हमारे यहां से कपड़ा ले जाया जाता था। क्यों? क्योंकि वो लोग जरूर पत्ते लगा के घूम रहे थे, ठीक है, तो वो फाइन क्वालिटी, रिच क्वालिटी, आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा अगर आपको ध्यान होगा तो, कि जैसे मुस्लिन हो गया, चिंट्स हो गया, तो इस प्रकार का कपड़ा हमारे यहां से पहुंचाया जाता था, ठीक है, इस प्रकार का कपड़ा हमारे यहां से पहुंचाया जाता था। तो द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, तो इंडियन हैंडमेड गुड्स डोमिनेटेड इंटरनेशनल मार्केट। इंडियन हैंडमेड गुड्स जो थे ना, जो हाथ से बनाया जाता था सामान इंडिया में, तो उस हैंडमेड गुड्स ने इंटरनेशनल मार्केट को बहुत लंबे समय तक डोमिनेट करके रखा। इंडियन हैंडमेड गुड्स ने इंटरनेशनल मार्केट में एक लंबे समय तक अपना दबदबा बनाए रखा, क्योंकि उनकी डिमांड थी। रीजन कि बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हम देते थे, ठीक है, देवर डिमांडेड ऑल ओवर अराउंड द वर्ल्ड। नेटवर्क जो था, इंडियन नेटवर्क, वो ऐसा था कि इंडियन मर्चेंट, सप्लाई मर्चेंट जो होते थे तो वो क्या करते थे, रॉ मटेरियल पहुंचाते थे वीवर्स तक, उनसे प्रोडक्ट कलेक्ट करते थे, फिर वो पोर्ट तक ले जाते थे, पोर्ट से जो ट्रेडर होते थे वो दूसरे देशों तक बेचते थे। तो इंडियन हैंडमेड गुड्स की क्वालिटी भी थी, उनकी डिमांड भी थी, हमारे पास वो नेटवर्क था, वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था, जिसके चलते वर्ल्ड वाइड, जैसे अगर आप देखोगे तो हमारे कॉटन के कपड़ों का लोहा माना जाता था, जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। तो मतलब हमारे इंडियन टेक्सटाइल की देयर वाज वैल्यू इन द इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है, दैट इज व्हाई द टॉपिक इज द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। इंडियन टेक्सटाइल इसीलिए कहा जा रहा है द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। लेकिन 1750 आते आते क्या होने लगा कि जो हमारा ये दबदबा था ना वो दब गया, ठीक है। तो बाय 1750 द नेटवर्क कंट्रोल्ड बाय इंडियन मर्चेंट्स वॉज ब्रेकिंग डाउन। जो हमारे मर्चेंट्स के द्वारा पूरा नेटवर्क कंट्रोल किया जाता था, हमारे मर्चेंट्स वीवर्स को सप्लाई करते थे मटेरियल, उनसे फाइनल गुड्स लेते थे, आगे पहुंचाते थे, वो हमारा नेटवर्क जो है धीरे धीरे टूट रहा था 1750 के बाद में। क्या हुआ होगा ऐसा? ब्रिटिशर्स आ गए थे, ठीक है, 1750s के बाद में, जैसे अगर आप देखोगे तो ब्रिटिशर्स जो है तो वो आ तो पहले ही गए थे, वो पॉलिटिकल कंट्रोल गेन करने लगे थे हमारे देश का। हमारे देश में उन्होंने क्या कर लिया था, पॉलिटिकल कंट्रोल पा लिया था, और उस कंट्रोल को अपने हाथ में लेने के बाद में, ठीक है, विद द कमिंग अप ऑफ यूरोपियन कंपनीज एंड व्हेन दे हैड द पॉलिटिकल कंट्रोल आल्सो, ठीक है, तो उन्होंने ट्रेड के ऊपर मोनोपोली राइट्स ले लिए कि अब हम ट्रेड हम ही करेंगे, बस सिर्फ हम ही कर सकते हैं। तो उससे क्या हुआ कि जो लोकल मर्चेंट्स थे, जो पहले हमारा नेटवर्क, हमारा सिस्टम संभाल रहे थे ना, उन लोगों को रेस से बाहर कर दिया गया। समझना क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉलोनीज में किस तरह से, जब कॉलोनीज बनी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, या फिर कह लो कि ईस्ट एशियन कंट्रीज और एशियन कंट्रीज, जब अफ्रीकन कंट्रीज भी कह सकते हो आप, ठीक है, जब ये कंट्रीज कॉलोनीज बनना शुरू हुई है, तब आपको क्या देखने को मिलता है, तब आपको देखने को मिलता है कि वहां कॉलोनीज के, कॉलोनीज बनने के पहले, गुलाम बनने के पहले, अगर बहुत ब्लंटली कहा जाए तो, उसके पहले तक जो हमारा नेटवर्क था वो हमारे लोग संभाल रहे थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आ गए तो उनके आ जाने से हमारे लोगों को साइड कर दिया गया, हमारे लोगों को एग्जिट दे दी गई, ठीक है, और यूरोपियन कंपनीज ने मोनोपोली राइट्स ले लिए। मोनोपोली मतलब कि एकात्मता का अधिकार, कि अब वो वही वही चलाएंगे, बस ट्रेड वही करेंगे। जो इंडियन मर्चेंट्स थे, लोकल मर्चेंट्स थे, तो उनको बहुत टफ कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ रहा था, देवर आउट ऑफ द गेम, देवर आउट ऑफ द गेम, ठीक है। अब जो नई यूरोपियन कंपनीज आई तो उन्होंने नए पोर्ट्स की तरफ शिफ्ट कर लिया, जो पुराने पोर्ट्स थे जैसे बॉम्बे, मतलब नए पोर्ट्स की तरफ शिफ्ट कर गए। नए पोर्ट्स कौन से नए पोर्ट्स? बॉम्बे और कोलकाता को इंपॉर्टेंस दी ब्रिटिशर्स ने इंडिया आने के बाद में। जो पुराने पोर्ट थे जैसे सूरत पोर्ट था, हुगली पोर्ट था, तो उनकी सिग्निफिकेंस डिक्लाइन हो गई, उनकी सिग्निफिकेंस डिक्लाइन हो गई, तो दे शिफ्टेड टू द न्यू पोर्ट्स एंड ओल्ड पोर्ट्स डिक्लाइन। तो ये सिंबॉलिकली पावर भी रहा कि शिफ्ट इन पावर देखने को मिला, ठीक है। ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स वर अफेक्टेड, लोकल बैंकर्स वेंट बैंकरप्ट, ठीक है। ट्रेडर्स और मर्चेंट्स जो है तो वो बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हुए, ठीक है। ट्रेडर्स और मर्चेंट्स को सफर करना पड़ा। कैसे सफर करना पड़ा? क्योंकि अब यूरोपियंस वर इन द गेम, ठीक है, वो पिक्चर में आ गए थे। ट्रेडर्स मर्चेंट्स का जो नेटवर्क था, जो उनका पूरा का पूरा सिस्टम उन्होंने बिल्ड किया था, वो डिसरप्ट हो गया। लोकल बैंकर जो पहले ट्रेड को फाइनेंस करते थे, तो अब लोकल बैंकर्स के पास कोई जा ही नहीं रहा, यूरोपियंस अपना यूरोप से पैसा लेके आ रहे थे, तो लोकल बैंकर्स बैंकरप्ट हो गए। तो ये सारा दुष्प्रभाव था
कोलोनाइजेशन का। पॉइंट ये आता है कि अगेन वही वाली बात है सर, जैसे आपने बताया कि यूरोप में भी इंडस्ट्रीज बन रही थी, वो सब है, कोर में तो वर्कर ही था, वर्कर ही काम करता है, तो हमारे यहाँ जो हमारा नेटवर्क था उसमें जो नेटवर्क को फैसिलिटेट करने वाले ट्रेडर थे, मर्चेंट्स थे, बैंकर्स थे, उनकी तो दाल पतली हो गई, हमने देख लिया। पॉइंट ये है कि जो वीवर्स थे और आर्टिशियंस थे, जो काम करते थे, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ वीवर्स एंड मर्चेंट्स और आर्टिशियंस, हाउ डिड दे सफर्ड, तो उनकी क्या स्थिति रही है वो समझते हैं। तो व्हाट हैपेंड टू वीवर्स, ठीक है, तो वीवर्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा इसको हम दो फेज में समझेंगे। दो फेज में कैसे? एक फेज तो वो है जब यूरोपियंस आए ही थे, यूरोपियन कंपनीज आई थी, उनके पास में पॉलिटिकल पावर नहीं है, वो ट्रेडर बन के आए। अब ट्रेडर बन के आए तो यहां पे मैं अगर सामान सप्लाई कर रहा हूं तो मैं ये देखूंगा मुझे जो अच्छे पैसे देगा मैं उसको सामान सप्लाई करूंगा, ठीक है, जहां मुझे फायदा लगेगा मैं वहां काम करूंगा, फाइन। तो अब जैसे अगर आप देखोगे तो इनिशियल फेज में वीवर्स और वर्कर्स जो थे ना, तो वो लोग फायदे में थे। कैसे? तो देयर वाज द डिमांड ऑफ इंडियन फाइन टेक्सटाइल्स, इंडियन फाइन टेक्सटाइल्स की ऑल अराउंड द वर्ल्ड डिमांड थी, सब लोग चाहते थे कि इंडियन फाइन टेक्सटाइल हम खरीदे, हम खरीदे, हम फर्स्ट, ठीक है। तो केस क्या था कि जो हमारे वर्कर्स वगैरह होते थे, जो हमारे कह सकते हैं वीवर्स हुआ करते थे ना, वो बहुत मजे में थे। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी आई सामान लेने, तो हमारा वीवर क्या बोलेगा, फ्रांस से आए हो, तुम्हें सामान चाहिए, अच्छा तुम कहां से आए हो, तुम स्पेन से आए हो, ठीक है, तुम कहां से आए हो, तुम ब्रिटेन से आए हो। तो ब्रिटेन में कोई हमारे ऐसा नहीं कि भूपा जी का गांव है ब्रिटेन, ठीक है, जो अच्छा रेट देगा मैं उसे सामान दूंगा अपना, ठीक है। तो शुरुआत में इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी टू इंश्योर रेगुलर सप्लाई। शुरुआत में हमारे वीवर्स के पास में नेगोशिएशन की पावर होती थी कि वो जिसके साथ उसको डील बेहतर लगेगी वो उसे सामान देगा। तो इनिशियली इंडियन वीवर्स वर वेरी हैप्पी कि कॉम्पिटिशन जितना ज्यादा होगा इनके बीच में उतना अच्छा हमें प्राइस मिलेगा, ठीक है। तो कॉम्पिटिशन अमंग द यूरोपियन पावर टू गेन सप्लाइज, ठीक है, There was the competition and the competition benefited the weavers. Competition से weavers को फायदा मिला। East India Company जो है उसके पास कोई political power नहीं थी। In fact, there are written records कि letter में लिखा जाता था back there in Europe, Britain में लिखते थे वो लोग अपने अधिकारियों को, East India Company के लोग, क्या कि भाई साहब बहुत competition है यहाँ पे, ये market बड़ा competitive है, France के लोग भी है, Spain के लोग भी है, Dutch भी है, सब सामान लेने के लिए खड़े हैं, और Indian weaver जो है तो जो अच्छी कीमत देता है उसको देता है। क्यों? क्योंकि इस समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है। वीवर्स एंड सप्लाई मर्चेंट्स वर हैड एडवांटेजेस, दे हैड दी बार्गेनिंग पावर, वो बार्गेन कर सकते थे कि जो अच्छी कीमत देगा सामान उसको मिलेगा। लेकिन खेल कब पलटता है? शुरुआत मतलब बाद के कुछ दिनों में। तो आफ्टर द इनिशियल फेज आप जिसे देखेंगे ना, मतलब इनिशियल फेज में हमारे वीवर्स और सप्लाई मर्चेंट तो ऐसे लगते कि पैसे ही पैसा होगा बाबू या, क्यों? क्योंकि चीजें आसान है उनके लिए, उनके लिए चीजें आसान थी जो बताया मैंने। फिर बाद में जब सिचुएशन बदली, कैसे? जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में जब देखो, पहले तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हेल्पलेस थी, लेकिन जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पॉलिटिकल पावर ले ली अपने पास, ठीक है, तो शुरुआत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हेल्पलेस थी क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकती थी। लेकिन जब उनके पास पॉलिटिकल पावर आ गई, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, मतलब बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, इन लड़ाइयों के बाद में जब उनके पास में पावर आ गई ना, किसके पास? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो अब पावर टेंड्स टू करप्ट, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो पावर ले लेने के बाद में चीजें बदल गई। कैसे बदल गई देखना। तो आफ्टर गेनिंग पॉलिटिकल पावर, कंपनी एलिमिनेटेड कंपटीशन, कंट्रोल्ड कॉस्ट एंड इंश्योर्ड रेगुलर सप्लाईज। अब देखो, अब मतलब ऐसा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसी अपनी अस्थि ने ऊपर चढ़ा ली कि हाँ अब आया जरा ऊंट पहाड़ के नीचे। तो उन्होंने सबसे पहले तो कॉम्पिटिशन खत्म करा, फ्रेंच से बोल दिया भग ठीक है दिख मत जाने इधर, ठीक है। तो मेन चीज क्या थी? वीवर्स के पास में बार्गेनिंग पावर इसलिए थी क्योंकि वीवर्स के पास में बायर्स बहुत सारे थे कि हमारा सामान खरीदने के लिए लोग लाइन लगा के खड़े। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पावर लेने के बाद में क्या किया कि पहले सबको हटा दिया, फ्रेंच जाओ, स्पेनिश जाओ, डच जाओ, सब निकलो, कौन रह गया? सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अब वीवर्स को दिख रहा है कि अब बेचना सिर्फ इनको ही है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या कर लिया, कॉम्पिटिशन को एलिमिनेट किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उन्होंने कॉस्ट कंट्रोल करी। कैसे कॉस्ट कंट्रोल करी? तो उन्होंने वीवर के पास गए, वीवर को एडवांस पैसा दे दिया, बोलते ये पैसा रखो यार एडवांस, ठीक है, मिठाई उठाई खाना और हम जो ऑर्डर देके जा रहे हो ऑर्डर बनाओ, ठीक है बना देंगे। अब जब लौट के आया तो उन्होंने बोला कि हम इस ऑर्डर को सिर्फ इतने रुपए में ही खरीदेंगे, कोई और खरीदने वाला दिख भी नहीं रहा है और एडवांस भी ले लिया है, फंस गए, ठीक है। तो उसके चलते क्या है कि कम कीमत में खरीदना चालू कर लिया, इस तरह से वीवर्स को ट्रैप करना स्टार्ट कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। यहां से कम कीमत में खरीदते थे, वहां ले जाके बेचते थे, ठीक है। तो दिस इज हाउ वंस दी
British East India Company gained the political power. The weavers were suffering. Their situations turned out to be miserable. ठीक है, आप समस्या में फंस गए. तो अब हुआ क्या ना कि they asserted monopoly. जो British East India Company है तो उन्होंने monopoly rights assert किए कि हम सिर्फ अकेले हम ही trader हैं. दूसरे European buyers को eliminate कर दिया. East India Company eliminated existing trader. ठीक है, existing traders जो है, इसके बाद में इसको ऐसा bracket में कर लो. Existing traders जो थे तो उन सबको हटा दिया, उन्होंने अपना ही सिस्टम बैठा लिया पूरा का पूरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने. ठीक है, उन्होंने गोमास्तास को अपॉइंट कर दिया. गोमास्तास कौन होते हैं? गोमास्तास ध्यान रखना. ठीक है, तो गोमास्तास जो होते हैं तो वो पेड सर्वेंट है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के. मतलब कि अब ऐसा थोड़ी ना कि ब्रिटेन से लोग आएंगे, हाँ भैया गट्ठा टांग दो पीछे पीठ पे ले जाएंगे हम उठा के ब्रिटेन तक. ब्रिटिशर्स ने अपने मतलब उसको, क्योंकि देवर वेल अवेयर अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन, उनको पता था कैसे चीजें चलती है, कैसे करना है बिजनेस, कैसे चलाना है. तो उन्होंने गोमास्तास अपॉइंट कर दिए, पेड सर्वेंट, जिनका काम क्या होगा कि पैसा जाके देंगे वीवर को, वीवर से माल कलेक्ट करेंगे और वो गोमास्तास फिर ब्रिटेन पहुंचा देते थे सामान. ठीक है, तो एक तरह से मतलब मैनेजर, आज के शब्द में मैनेजर. अब ये गोमास्तास जो अपॉइंट करे ना, तो अब गोमास्तास के साथ दिक्कत थी. पहले क्या होता था, पहले हमारे खुद के ट्रेडर काम करते थे. तो हमारे ट्रेडर ऐसा है कि वो समझते थे कि यार वीवर के यहाँ शादी है तो सामान लेट दे देगा, वीवर के यहाँ शादी है तो उसको दो पैसे और ज्यादा दे देता हूँ, और बढ़िया प्रेम भाव से काम चलता था. लेकिन अब दे एलिमिनेटेड द एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स को हटा दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने. ठीक है, गोमास्तास अपॉइंट कर दिए जो कि पेड सर्वेंट थे, जिनका काम बस ये था कि प्रोफेशनल की तरह जाना है. सर इज दी ऑर्डर रेडी? ऑर्डर रेडी नहीं है तो लाठियां चल जाती थी. ठीक है, मारपीट हो जाती थी, वीवर्स को प्रताड़ित किया जाता था. ठीक है, तो देर वर ऑफन क्लैशेस बिटवीन दी गोमास्तास एंड दी वीवर्स. ठीक है, तो और ये जो सिस्टम ऑफ एडवांस था जिसके चलते वो गोमास्तास एडवांस दे देते थे, तो अब वीवर ने एडवांस ले लिया तो अपने सिर पे लोड ले लिया कि अब काम तो करना ही पड़ेगा, करके देना ही पड़ेगा. ठीक है, तो दिस सिस्टम ऑफ एडवांसेस प्रिवेंट वीवर्स फ्रॉम डीलिंग विद अदर बायर्स एंड देर वॉज द कंट्रोल ओवर द कॉस्ट. कॉस्ट को कंट्रोल कर लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, एडवांस ले लिया तो किसी और के साथ डील नहीं कर सकते, अब सामान उनको ही बना के देना है. और वीवर्स मतलब ऐसा है कि फंस गए. ठीक है, फंस गए वीवर्स, वर लाइक ही फंस गए यार. ठीक है, और गोमास्तास और इंडियन मर्चेंट्स में ये डिफरेंस था कि इंडियन मर्चेंट्स समझते थे और गोमास्तास बिल्कुल नहीं समझते थे. सामान अगर टाइम पे रेडी नहीं होता तो उनके बीच में लड़ाइयां हो जाती थी. ठीक है, तो इस पूरे प्रपंच में जैसे अगर आप देखोगे तो इस पूरे प्रपंच में क्या होता है कि अब कुछ विलेजर्स जो थे तो उन्होंने ठान लिया कि अब काम करने ही नहीं है. ठीक है, मतलब दिस इज अ ट्रू इंसिडेंट कि बहुत सारे वीवर्स ने अपने हाथ काट लिए थे, हाथ नहीं रहेंगे तो हमसे कैसे काम करवा लोगे आप. ठीक है, विलेजेस वर डेजर्टेड, गांव के गांव खाली हो गए. ठीक है, मेनी वीवर्स रिवॉल्टेड एंड चेंज देयर ऑक्यूपेशन. कुछ लोगों ने रिवॉल्ट भी करा, उनके रिवॉल्ट को सप्रेस भी कर दिया गया, और कुछ लोगों ने अपना काम ही बदल लिया, गांव छोड़ दिए. तो दिस वॉज दी सैड स्टोरी ऑफ वीवर्स. समझ में आया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉलोनीज में आपको समझना होगा कि शुरुआत का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज था तो हमारे इंडस्ट्रियल मतलब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन था, लेकिन हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल सिस्टम था उसको किस तरह से सफर करना पड़ा, बीट सप्लाई मर्चेंट्स, बीट ट्रेडर्स, बीट कह सकते हैं वीवर्स. ठीक है, तो सबको सफर करना पड़ा. किसने कहाँ पे किस तरह से सफर किया वो मैंने आपको पूरा का पूरा समझा दिया. आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर है, किसने कहां पे और किस तरह से सफर किया. अब अगर आगे बढ़े तो कहानी है कि इंडियन वीवर्स और मर्चेंट जो थे ना कि सारा दुख खत्म ही नहीं हो रहा है. ठीक है, तो बड़ी प्रॉब्लम फेस करी उन्होंने. अब ये जो मीम लगाया इसके पीछे का एक और ऑब्जेक्टिव है. क्यों? क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत थी, अभी समस्याएं और बढ़नी थी. क्या हो रहा है कि ब्रिटेन में पहले तो ऐसा था कि ब्रिटेन में यहां से सामान ले जाया जाता था, क्योंकि यहां के इंडियन टेक्सटाइल की वैल्यू थी बहुत ज्यादा, डिमांड थी बहुत ज्यादा, इसके लिए यहां से ले जाते थे. लेकिन अब क्या हुआ कि ब्रिटेन में जब इंडस्ट्रीज आ गई, ठीक है, तो एक टॉपिक जो लिखा ना आपका मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया, तो इसमें कुछ हमसे दिमाग मत लगना कि मैनचेस्टर कोई आदमी था, शायद वो इंडिया आया होगा, ये वो मैनचेस्टर एक शहर है. अच्छा, तो शहर उठ के इंडिया में आ गया? नहीं, मतलब मैनचेस्टर में बहुत सारी इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, और उन इंडस्ट्रीज के डेवलप होने से वो सारे इंडस्ट्रीज में जो मशीन मेड क्लोथ बन रहे थे वो इंडिया में डंप किए जा रहे थे. तो इंडिया के जो लोग कपड़े बना रहे थे उनका क्या करेंगे? तो उनकी पतंग बना के उड़ाएंगे. ठीक है, तो ये आपको समझना होगा कि जब मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया, यानी कि गरीबी में गीला आटा यह हुआ कि वीवर्स वर ऑलरेडी सफरिंग, उसके बाद में जो हमारे यहाँ के वीवर्स थे उन्होंने हमारा मार्केट भी खो दिया और इंटरनेशनल मार्केट भी खो दिया. क्यों? क्योंकि अब हमारे मार्केट में मशीन मेड क्लोथ फ्लडेड थे, इंडियन टेक्सटाइल की वैल्यू इतनी ज्यादा थी. एक हेनरी पुटुलो एक कंपनी ऑफिशियल थे, उनका यह कहना था कि डिमांड फॉर इंडियन टेक्सटाइल कैन नेवर बी रिप्लेस्ड, क्योंकि इतनी अच्छी क्वालिटी का है. लेकिन ही वॉज रॉन्ग. क्यों? क्योंकि डिमांड डिक्लाइन हो गई, और डिमांड डिक्लाइन होने के पीछे कारण क्या था? इंडियन गुड्स
लोगों ने खरीदना क्यों बंद कर दिया, क्या खराब हो गए थे इंडियन गुड्स? नहीं, इंडियन गुड्स खराब नहीं हुए थे, लेकिन जो मार्केट का सिस्टम था ना पूरा का पूरा वो खराब हो गया था। कैसे, वो मैं बहुत अच्छे से समझाता हूं। देखो, तो कॉटन इंडस्ट्रीज डेवलप्ड इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में कॉटन इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, ठीक है, वहां पर इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, अच्छी बात है, ताली बजाते हैं कि सर हमें क्या लेने देना, लेकिन अब वो इंडस्ट्रीज जब डेवलप हुई ना, तो इंडस्ट्रीज ने जो सामान बनाया तो सामान वो बाहर बेचना चाहते थे कि किसी को बेचें, किसी को टोपी पहनाए अपन, ठीक है। तो वहां के जो लोग थे ना इंडस्ट्रियलिस्ट, तो दे डिमांडेड इंपोर्ट ड्यूटीज, उन्होंने बोला कि भैया अपने यहाँ इंडस्ट्री डेवलप हो गई तो बाहर से सामान आना बंद करवाओ, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट ने डिमांड किया कि इंपोर्ट ड्यूटीज लगा दी जाए, बाहर से सामान ना लाया जाए, और दूसरा कि ये जो हमने प्यारा सा शर्ट बनाया है, ठीक है, तो ये जो हमने प्यारा सा शर्ट बनाया है, पतंग ज्यादा लग रहा है वो, तो इस शर्ट को बाहर बेचना है मार्केट में, ठीक है। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे ब्रिटेन में, दे डिमांडेड इंपोर्ट ड्यूटीज कि बाहर से सामान लाना बंद करो एंड एक्सपोर्ट मार्केट फॉर देयर प्रोडक्ट्स, और उनने जो खुद का प्रोडक्ट बनाया है इसको अपने को क्या करना है, बाहर पहुंचाना है, इंडिया पहुंचाओ। तो इसके चलते अब होगा क्या, देखो कि यहां आप देखोगे कि इंडियन इंडस्ट्री मतलब इंडियन वीवर जो है, तो इंडियन वीवर को क्या नुकसान है, दो नुकसान है कि अब वो अपना सामान बेच नहीं पाएगा क्योंकि उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, और वहां से जो सामान आ रहे मशीन मेड क्लोथ्स, उसके चलते जो अपने लोगों को बेच पाता था कपड़े इंडियन वीवर, वो उन्हें भी नहीं बेच पाएगा। समस्या ही समस्या, ठीक है, समस्या ही समस्या। तो आपको इंपैक्ट समझ में आया, इंपैक्ट क्या है कि इंडियन वीवर्स सफर्ड अ लॉट। कॉटन वीवर्स जो थे इंडिया में, दे फेस टू प्रॉब्लम्स। व्हाट वर दोस टू प्रॉब्लम्स, कि उनका एक्सपोर्ट मार्केट जो पहले पहुंचा पाते थे सामान वो ब्रिटेन में, अब वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, देयर एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स्ड, उनका एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स हो गया, एंड देयर लोकल मार्केट श्रैंक, ठीक है, तो बाहर नहीं पहुंचा पाएंगे, पहली समस्या, ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस थे। दूसरा, वो सोचते थे कि अपने लोकल मार्केट में हम अपने लोगों को कपड़े पहना देंगे, तो उनका लोकल मार्केट भी श्रैंक हो गया, क्यों, क्योंकि बाहर से सामान अब उनके लोकल मार्केट में बिकने आ रहा था, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खूब चिल्ला चिल्ला के 10 के 2 10 के 2 करके बेच रही थी सामान, ठीक है। तो लोकल मार्केट वॉज लोकल मार्केट श्रैंक एज इट वॉज ग्लटेड विद द मैनचेस्टर मेड गुड्स, मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया, ऐसे मैनचेस्टर आया, ठीक है, कि लोकल मार्केट वॉज ग्लटेड विद द मैनचेस्टर मेड गुड्स। अब आगे बढ़ते क्या, इतना ही नहीं, तुम सोच रहे हो बस दुख खत्म हो गया, दुख खत्म नहीं हुआ यार, और बुरी स्थिति कब हो जाती है कि पैरेलल टू दिस, ठीक है, दो लाइन खींची रही थी, मतलब पैरेलल टू दिस समझ जाया करो। इसके अलावा व्हाट आर द प्रॉब्लम्स व्हिच द इंडियन मर्चेंट्स फेस्ड, या फिर इंडियन वीवर्स फेस्ड स्पेसिफिकली विद द कमिंग अप ऑफ मैनचेस्टर मैनचेस्टर मेड गुड्स इन इंडिया। सवाल किसी भी तरह से आ जाएंगे, ठीक है, कि ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के डेवलप हो जाने थे, इंडियन वीवर्स ने कैसे इंडियन वीवर्स और मर्चेंट्स ने कैसे लॉस सफर किया। तो ये तो हमें समझ में आ रहा है कि एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स हो गया, लोकल मार्केट श्रैंक हो गया, साथ ही साथ क्या हो रहा है ना कि रॉ मटेरियल जो है, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल डिक्लाइन हो गई इंडियन वीवर्स के लिए, इंडियन मर्चेंट्स के लिए। जैसे हमने बताया कि इंडियन मर्चेंट है, इंडियन मर्चेंट अपना खुद का अगर सामान कुछ बना रहा है इंडियन वीवर, तो उसको कॉटन का शर्ट बनाने के लिए रॉ कॉटन लगेगा, ठीक है, तो रॉ कॉटन अपने देश से ही उगा लेता था और रॉ कॉटन से कपड़ा बना के बेच देता था, अपनी जरूरतें बहुत कम होती थी। लेकिन अब हुआ क्या कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज राक्षस की तरह रॉ कॉटन खा रही थी, अब वो कहां से लाते थे रॉ कॉटन, उनका तो देश ही छोटा सा, तो वो अमेरिका वगैरह से सप्लाई इंश्योर कर लेते थे कि अमेरिका से उनको रॉ मटेरियल मिल जाए। लेकिन अब हुआ क्या कि अमेरिका में सिविल वॉर वगैरह हो गया, तो वहां से रॉ कॉटन आना बंद हो गया। अब उन्होंने देखा इंडिया में भी तो कॉटन होता है, तो इंडिया से उन्होंने कॉटन ले जाना भी चालू कर दिया, ठीक है, मतलब इंडियन गुड्स नहीं ले जाएंगे, ठीक है, सह लेंगे, ब्रिटेन के गुड्स बना के बेचेंगे, ठीक है, सह लेंगे। लेकिन इसमें भी क्या हो गया कि अब आप जिस देखोगे उन्होंने बोल दिया कि यहां से रॉ कॉटन लाओ भाई साहब, अपनी इंडस्ट्रीज को खिलाना है, तो इंडिया से रॉ मटेरियल जाने लगा, और उस रॉ मटेरियल के जाने के कारण क्या हुआ, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल भी कम हो गई हमारे अपने वीवर्स और मर्चेंट्स के लिए, दैट वाज अ प्रॉब्लम। फैक्ट्रीज इन इंडिया, अब इतनी भी दुख में दुख खत्म नहीं हो रहे थे कि हमें तो अपनों ने लूटा, गेरों में कहां दम था, वो वाली कहानी यहां पे सिद्ध हो गई, और इंडिया में जो वीवर्स थे मर्चेंट्स थे उन्हें अपनी ही कंट्री में लोग कॉम्पिटिशन देने लगे, कैसे, तो इंडियन इंडस्ट्रीज स्टार्ट हो गई। देखो बहुत शॉर्ट में लिखा है कीवर्ड्स में, लेकिन वो पूरी कहानी रिकॉल करने के लिए, क्या कि फैक्ट्रीज स्टार्टेड कमिंग अप इन इंडिया, इंडिया में फैक्ट्रीज आना चालू हो गई, गई भैंस पानी में, ठीक है, तो इंडिया में फैक्ट्रीज आना चालू हो गई, अपने खुद के लोगों ने फैक्ट्रीज लगाना एस्टैब्लिश फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। अब एक सवाल आता है क्या कि कौन थे ये लोग, ठीक है, कहां से आते हैं, फैक्ट्रीज कैसे आ गई, तो ये कि जैसे अगर आप देखोगे फर्स्ट कॉटन मिल, फैक्ट से बता रहा हूं, ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं,
फर्स्ट कॉटन मिल जो है तो बॉम्बे में आती है 1854 में, ठीक है। जूट मिल जो है तो बंगाल में आती है 1855 ऋषिरा में, ये ज्योग्राफी में भी पढ़ोगे यही चीज। साथ ही साथ जिस देखोगे तो जैसे जो एल्गिन मिल जो है कानपुर में स्टैब्लिश होती है 1860s में, ठीक है। एक साल बाद फर्स्ट कॉटन मिल अहमदाबाद की पहली कॉटन मिल आती है, ठीक है। फर्स्ट वीविंग एंड स्पिनिंग मिल ऑफ मद्रास जो है तो वो 1834 से काम करना चालू करती है। तो इस तरह से इंडियन फैक्ट्रीज आना स्टार्ट हो गई है। तो इंडिया में जो वीवर्स और मर्चेंट्स सिस्टम संभाल रहे थे उसके अलावा अब इंडिया में इंडिया की फैक्ट्रीज आना शुरू हो गई है। तो सवाल जायज है कि हु सेट अप दीज इंडस्ट्रीज, ये इंडस्ट्रीज किसने लगाई, ठीक है। वेयर डिड द कैपिटल केम फ्रॉम, पैसा कहां से आया था इंडस्ट्रीज लगाने के लिए, हु केम टू वर्क, और इन फैक्ट्रीज में फिर काम करने के लिए कौन आता था, तरह तरह के सवाल है। तो सिंपल आपको समझना है ये इंडस्ट्रीज लगाने वाले जो लोग थे उन्हें हमने अर्ली एंटरप्रेन्योर्स कहा गया, ठीक है। हमारे अपने देश के जो अर्ली एंटरप्रेन्योर्स थे वो पैसा कहां से लाए, तो जैसे हमारे देश के जो अर्ली एंटरप्रेन्योर्स थे वो लोग जैसे चाइना के साथ ट्रेड करके या फिर जो ब्रिटेन के साथ ट्रेड चल रहा था उसमें छोट भैया बनके कि हाँ हम छोटा सा काम तुम्हारा संभाल लेंगे, हम पैसा कमा लेंगे दो पैसा, ठीक है, पापी पेट का सवाल है, काम कर लेने दो। तो दे हैव स्टार्टेड अर्निंग फ्रॉम द ट्रेड डन विद द चाइना, ठीक है। तो हैविंग अर्न्ड फ्रॉम ट्रेडिंग विद चाइना, जो ट्रेड हुआ चाइना के साथ में, ठीक है। इंडियन हैड अ विजन ऑफ डेवलपिंग इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज इन इंडिया, तो कुछ इंडियन जो थे तो जो चाइना के साथ ट्रेड ब्रेड करके थोड़ा बहुत पैसा कमाया, तो दे हैड द विजन, ठीक है। अंटिल एंड अनलेस यू डोंट हैव द विजन यू डोंट हैव एनीथिंग, ठीक है। तो हैव अ बिग, हैव द बिगेस्ट विजन इन योर लाइफ, ठीक है, वो बहुत बड़ा रखना। देखो अब अर्ली एंटरप्रेन्योर सोच सकते थे कितनी समस्याएं हैं ट्रेड में, वीवर के गले तक कह सकते पानी भरा आया, हम अगर इस समय पे अपनी इंडस्ट्रीज लगाने का सोचेंगे तो सरवाइव भी कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन डिस्पाइट हैविंग द मतलब रिस्क, ठीक है, दे टुक द चांस, उन्होंने बोला कि जो होगा देखा जाएगा वैसा, ठीक है। तो हैव दैट स्पिरिट इन लाइफ, तो वही यहाँ पे हमारे व्यूअर्स हमारे अर्ली एंटरप्रेन्योर्स ने भी किया, क्या कि उन्होंने जो चाइना के साथ ट्रेड करके जूनियर प्लेयर इन द होल ट्रेडिंग सिस्टम में जूनियर प्लेयर की तरह रोल प्ले करते हुए जो थोड़ा वेल्थ अर्न किया, उस वेल्थ की मदद से, ठीक है, वेयर डिड द कैपिटल कम फ्रॉम, तो उस वेल्थ की मदद से They had the vision to start the enterprise in India, ठीक है, श्री गणेश कर दिया उन्होंने। तो कौन थे वो लोग, ठीक है, तो द्वारकानाथ टैगोर, पारसीज लाइक दिनशॉ पेथी, ठीक है, जमशेद जी, नुसरवान जी टाटा, ठीक है, सेठ हुकमचंद, जी डी बिरला, ये कुछ ऐसे नाम थे अर्ली एंटरप्रेन्योर्स के, those who started the industries in India, those who started the कह सकते industrialization, native industrialization in India। लेकिन ऐसा नहीं था कि इन्होंने शुरू कर दिया और बहुत आसान था, बड़ी समस्याएं थी, जैसे कि जब उन्होंने ये विजन के साथ काम शुरू किया तो पैरेलल टू दैट देयर वर चैलेंजेस, ठीक है, दे फेस चैलेंजेस इन ऑपरेशंस अंडर द ब्रिटिश रूल, मतलब इंडिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को संभालने वाली यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज थी, जैसे तीन प्रोमिनेंट यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज में नाम बताना आप कमेंट सेक्शन में, कुछ थोड़ा तुम भी तो होमवर्क करो, ठीक है। तो जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज हुआ करती थी, जो क्या करती थी, जो पूरा काम मैनेज करती थी, पूरा काम कैसे मैनेज करती थी कि आपको ये देखने को मिलेगा कि कितना पैसा लगना है, कौन सी इंडस्ट्रीज ग्रो करना है, सारा सब कुछ। अब उन यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज का अलग चैम्बर होता था जिसमें इंडियंस को बैठने नहीं दिया जाता था, पूरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यूरोप के लोग देख रहे थे, इंडिया का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। उस बीच में जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे तो समवेयर साइलेंटली दे वर प्लानिंग टू हैव देयर ओन इंडस्ट्रीज, दे फेस्ड चैलेंजेस, लेकिन उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज को जमाने की कोशिश करी। आगे बताऊंगा कि वो कैसे जमा पाए अपनी इंडस्ट्रीज। सवाल ये है, चलो किसने इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करी, कहां से पैसा आया, सवाल ये है कि काम कौन करने आता था, वर्कर्स कहां से आते थे, ठीक है। तो अब जैसे देखें हम, तो वेयर डिड द वर्कर्स कम फ्रॉम, वर्कर्स कहां से आते थे, तो सिंपल सी चीज है, वर्कर्स वही ऐसे झेलना नहीं कि ऊपर से गिरेंगे, वही जो गांव में लोग थे तो दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स टाउन्स। अब जब गांव के लोग शहरों की तरफ मूव करना शुरू कर गए, ठीक है, उनको नीड थी, गांव में उतना इनकम नहीं जनरेट हो रहा था, तो जब वो शहर की तरफ मूव कर गए, ठीक है, तो वेयर डिड दे केम फ्रॉम, तो वही वर्कर बन गए, ठीक है। तो वेयर डिड दे केम फ्रॉम, तो जैसे डिस्ट्रिक्ट्स अराउंड इंडस्ट्रियल रीजंस, इंडस्ट्रियल रीजंस मतलब क्या है कि मान लो मुंबई इंडस्ट्रियल रीजन की तरह ग्रो करा, तो मुंबई के आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट थे जैसे पीजेंट्स एंड आर्टिशंस हुवर अनएम्प्लॉयड, ठीक है, जैसे बॉम्बे में रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट, रत्नागिरी का नाम सुनते मुझे पता नहीं क्यों बीड़े के चाचा जी ध्यान आ जाते हैं, रत्नागिरी से आम लेके आते हैं जो ध्यान में, ठीक है। तो केस क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो डिस्ट्रिक्ट थे इंडस्ट्रियल रीजन के आसपास के, वहां जो पीजेंट्स थे, आर्टिशंस थे, जो अनएम्प्लॉयड थे, उन्हें तो दो पैसा कमाना ही था, फैक्ट्रीज को भी वर्कर्स की जरूरत थी, तो वो वर्कर के फॉर्म में गांव से शहर की तरफ मूव कर गए, गांव से शहर की तरफ मूव कर गए। अब वही वाली बात है, आइए आप ही का इंतजार था, ऐसा सीन था क्या, नहीं, रेड कार्पेट एंट्री नहीं हुई थी, वर्कर्स के लिए काम पाना बड़ा मुश्किल होता था,
तो वहां पे जॉबर जो होता था ना, जॉबर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। और ये जो वर्कर्स आते थे, तो वर्कर्स ऐसे आते थे कि शहर में आ जाते थे, काम करते थे, त्योहारों पे अपने गांव वापस चले जाते थे, ठीक है। जो हार्वेस्ट होती थी, फसल की कटाई बुआई, उस समय पे वो वापस चले जाते थे गांव। तो इस तरह से गांव और शहर के बीच में एक टच बना रहता था, ठीक है। अब जैसे जो लोग गांव से शहर में आते थे काम करने के लिए, तो वो आते थे, उन्होंने जॉबर जो रहता था ना, जॉबर एक इंडिविजुअल, मतलब ऐसा नहीं है कि यही जॉबर है, एक ही जॉबर एक, आज के समय में जो एचआर होता है ना, एचआर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर एचआर जो होते हैं, ठीक है, तो जो लोगों की भर्ती करते हैं, बोलते हैं कि अच्छा आ जाओ ज्वाइन कर लो कंपनी, लेटर पे साइन करके देते हैं, वो रिक्रूटमेंट का, टर्मिनेशन का, सैलरी की बात करो, तो वो सब एचआर से करना पड़ती है, पॉइंट। तो यहां जैसे अगर आप देखोगे तो जॉबर जो है ना, तो उस समय के एचआर हुआ करते थे। कैसे? कि गांव से जो लोग आ रहे हैं, या फिर मान लो किसी फैक्ट्री में काम वर्कर्स की जरूरत है, तो मालिक ऐसा थोड़ा ना कि मालिक बाहर तख्ती लेके खड़ा होता था कि ठीक है नीड वर्कर्स फॉर दी फैक्ट्री। मालिक जो होता था, तो मालिक क्या करता था, मालिक एक ऐसा व्यक्ति जो ट्रस्टेड ओल्ड एम्प्लॉय होता था, उसको बोलता था कि यार वर्कर चाहिए आपके गांव से ले आना कुछ। तो जॉबर जाता था, मूंछ पे ताव देता था, चलो काम पे, काम दूंगा मैं सबको तुम्हें। तो जॉबर इस तरह से क्या होता था, जॉबर जो है तो गांव से वर्कर्स लेके आ जाता था, ठीक है। जॉबर एक ट्रस्टेड ओल्ड एम्प्लॉय होता था, जिसका रोल ये होता था कि नए लोगों को भर्ती करवाना हॉस्पिटल में नहीं, फैक्ट्रीज में, ठीक है। He helps in getting new recruits, ठीक है, नए recruits को लाने में मदद करता था। Old trusted worker होता था, एक power authority की position enjoy करता था, a person with authority in power, at times रिश्वत भी मांग लेता था कि मैंने तुम्हारी job लगवाई है तो मुझे gift के form में कुछ दो। तो he was the jobber, workers कहां से आते थे, jobber कौन है, ये सारी चीजें ध्यान रखना है। Short में jobber over पे question पूछा जा सकता है, ठीक है। ये हो गया, where did the workers come from? अब आते हैं आई गेस लास्ट टॉपिक, सेकंड लास्ट टॉपिक, इसके बाद में भी हम एडवर्टाइजमेंट वाला भी तो देखेंगे। तो अब जैसे अगर आप देखोगे ये टॉपिक क्या है, द पेक्युलैरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। आप जैसे देख रहे हो वर्कर्स ने कितना सफर किया, मर्चेंट्स ने कितना सफर किया, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उन्होंने भी प्रॉब्लम सही, सब प्रॉब्लम से आ रहे हैं सर, लेकिन उसके बावजूद भी इंडियन इंडस्ट्रीज ग्रो कर गई है। तो पॉइंट ये है कि व्हाट आर द पेक्युलैरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, कि इतनी समस्याओं के बावजूद भी इंडस्ट्रीज ग्रो कैसे कर गई, ठीक है, इतनी समस्याओं के बावजूद भी इंडस्ट्रीज ग्रो कैसे कर गई। तो दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है, ये एक सवाल है कि इतनी समस्याओं के बाद भी इंडस्ट्रीज ग्रो कैसे कर गई। चलो अब वही समझते हैं अपन, दी पेक्युलैरिटीज, पेक्युलैरिटी समझ में आया कि डिस्पाइट हैविंग दी ऑड्स, इतनी विडंबनाओं के बावजूद भी इंडस्ट्रीज कैसे ग्रो कर गई। तो अब हेडिंग अगर समझ में आ गई तो पूरा समझ में आ गया कि व्हाट वर दी पेक्युलैरिटीज ऑफ द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। सवाल अगर बहरूपिया बन के आ गया कि डिस्पाइट हैविंग सो मेनी प्रॉब्लम्स विच द वर्कर्स इंडस्ट्रियलिस्ट एंड द मर्चेंट्स फेस्ड, इंडियन इंडस्ट्रीज स्टिल मैनेज्ड टू सर्वाइव, हाउ एंड व्हाई, ठीक है, तो कैसे हुआ, तो उसको समझाता हूं मैं आपको। सबसे पहले तो क्या है, हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने क्या बोला, रिस्क नहीं लेने का है बाबा, ठीक है, क्यों, क्योंकि उन्होंने दे ऑल टूगेदर चोज द डिफरेंट सेगमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेंचर। उन्होंने बोल दिया तुम जैसे ब्रिटेन की जो इंडस्ट्रीज थी, ब्रिटेन की जो मैनेजिंग एजेंसीज थी, यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज जो थी, वो ये चाहती थी कि वो कॉफी में, टी में, कॉटन में, ये प्लांटेशन फील्ड में, इसमें काम करे, यहां से सामान ले जा के रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करे। तो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट क्या बोलते थे, हाँ तुम उस सेक्टर में काम करो खूब, हम उस सेक्टर में जाएंगे ही नहीं। अब होता क्या था ना, अगर इंडियन इंडस्ट्रीज भी उसी सेक्टर में चले जाते, कॉम्पिटिशन दिखता, तो वो यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी इंडियन इंडस्ट्रीज को कुचल देती, लेकिन इंडियन इंडस्ट्रीज ने देखा कि जिस तरफ वो जा रहे हैं अपन पीठ घुमा दो, उधर जाने ही नहीं, ठीक है। तो दे इंडियन इंडस्ट्रीज मैनेज टू सर्वाइव बिकॉज दे चूज डिफरेंट सेगमेंट फॉर इंडस्ट्रियल वेंचर्स, ठीक है, दे चूज डिफरेंट सेगमेंट फॉर इंडस्ट्रियल वेंचर। यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज और इंडियन बिजनेसमैन में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इंडियन बिजनेसमैन वर हैविंग दी टफ टाइम, उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, बट दे नेवर ट्राइड टू हैव डायरेक्ट कॉम्पिटिशन विद यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज, दिस इज हाउ दे सर्वाइव्ड, ठीक है, दिस इज हाउ दे सर्वाइव्ड। दूसरा क्या है, अब जैसे अगर आप देखोगे तो इंडियन इंडस्ट्रीज के, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट के सर्वाइव कर जाने में एक बहुत बड़ी चीज ये भी है, क्या, कि जो स्वदेशी मूवमेंट चला, नेशनल मूवमेंट जब चले आजादी के लिए, तो जैसे आज अगर आप देखोगे क्या कि इंडिया चाइना के बीच में अगर टेंशन डेवलप होता है तो उसका इंपैक्ट चाइनीज इंडस्ट्री पे पड़ता है और उसका इंपैक्ट इंडियन इंडस्ट्रीज को फायदे के फॉर्म में मिलता है कि एंटी चाइना सेंटीमेंट से चाइनीज प्रोडक्ट नहीं खरीदना। आपको एक दो सामान दिखाया मैंने बोला कि मेड इन चाइना मेड इन इंडिया, तो आप मेड इन इंडिया ले लोगे, ठीक है। तो होता क्या है कि जब जैसे अगर आप देखोगे कि स्वदेशी मूवमेंट वगैरह जब चले तो उस समय पे क्या है, दिस गेव बूस्ट टू इंडियन इंडस्ट्रीज, लीडर्स ये बोलते थे कि स्वदेशी अपनाओ, इंडियन इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट खरीदो, तो उससे इंडियन इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिल गया, इंडियन इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिल गया।
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में। अब वॉर जब चल रही थी ना, तो वॉर में क्या हो रहा है कि वहां की जो यूरोप की इंडस्ट्रीज थी, जिसने अभी तक केकड़े की तरह इंडियन इकोनॉमी को जकड़ के रखा था, छोड़ना नहीं चाह रही थी, ठीक है, तो वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में क्या हुआ कि ब्रिटेन की तो पिटाई चल रही थी, भयंकर मार रहे थे जर्मनी के लोग, ठीक है। अब वो कह रहा है कि वहां की इंडस्ट्रीज जो है ना, क्योंकि वर्ल्ड वॉर है, वॉर चल रहा है, मजाक नहीं चल रहा है, तो उस समय पे वहां से जो मैनचेस्टर से हमारे यहाँ सामान आता था वो डिक्लाइन हो गया। क्यों? क्योंकि मैनचेस्टर की इंडस्ट्रीज जो है, इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोग तो सब लड़ाई करने चले गए, और उस समय उनको बम गोले बारूद बनाना है, ठीक है, इस समय वो हमारे यहाँ पे कच्चे बनियान बना बना के लोगों को नहीं बेचेंगे ना। पॉइंट क्या हो रहा है कि वहां की इंडस्ट्रीज जो थी मैनचेस्टर की, वो देवर इक्विप्ड विद दी वॉर, और उसी के चलते उन्होंने इंडिया में गुड्स डंप करना बंद कर दिए। इतने में इंडियन बिजनेसमैन जो थे, उन्होंने बोल दिया ये बस यही चाहिए था। इंडियन बिजनेसमैन जो थे, तो कंसिडरिंग दिस कि मैनचेस्टर से गुड्स का इंपोर्ट डिक्लाइन हो गया है, ठीक है, इंडियन मिल्स रिकैप्चर्ड द होम मार्केट। तो जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट श्रैंक हुआ था ना, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट वॉज ग्लटेड विद द फॉरेन गुड्स, तो वो डोमेस्टिक मार्केट में जहां ब्रिटिशर्स घुस गए थे, तो अभी दो मिनट के लिए जब हमें गैप मिला, तो उस गैप में फटाफट इंडियन मिल्स जो है तो वो घुस गई, इंडियन मिल्स ने मार्केट को रिकैप्चर कर लिया, ठीक है। दिस कैन बी बेटर डिपिक्टेड थ्रू दिस पिक्चर, क्या कि जो कि वेल बिल्ट मैनचेस्टर इंडस्ट्रीज थी, जब वो थोड़ी सी डिक्लाइन हुई ना, तो हमारी लोकल इंडस्ट्रीज भले ही दुबली पतली छोटी सी थी, उन्हें बोला फटाफट कैप्चर कर लो, ठीक है, मौका है चौका मार दो, ठीक है। तो दिस वॉज द सीन। आगे अगर बढ़े तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रीडोमिनेट। अब क्या हो रहा है ना कि अगर जैसे अगर आप देखोगे कि द पेकुलरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, तो जिसमें यह बताया गया कि डिस्पाइट हैविंग सो मेनी प्रॉब्लम्स, हाउ डिड द इंडियन इंडस्ट्रीज मैनेज टू सर्वाइव, तो दिस इज हाउ द इंडियन इंडस्ट्रीज मैनेज टू सर्वाइव। पर सवाल ये भी है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रीडोमिनेट कर गई, मतलब कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री तो चलो ऐसे मैनेज कर गई हमने देख लिया, उसके बावजूद स्मॉल स्केल जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी वो कैसे मैनेज कर गई। तो आपको यह समझना होगा क्या कि दिख रहा है जैसे यूरोप के केस में था, देखो हिस्ट्री मूव्स इन अ पैटर्न, तो यूरोप में भी हमने क्या देखा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था, लेकिन पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज में आपको एक्सेप्ट करना होगा कि जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। तो सेम वॉज द केस इन इंडिया ऑल्सो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो थी ना, तो वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। आप जैसे देखोगे तो एक गली में जाओगे तो एक गली में घर के अंदर छोटे छोटे स्तर पर स्मॉल स्केल लेवल पर काम चलता रहता था। तो हाउ डिड द हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम प्रोडक्शन एक्सपेंडेड एंड वीवर्स सर्वाइव डिस्पाइट प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो समस्याएं थी उसके बावजूद भी जो हैंडीक्राफ्ट था, वीवर्स थे, वो भी सर्वाइव कर गए, पूरी तरह से खत्म नहीं हुए। ब्रिटिशर्स भी थे, इंडियन इंडस्ट्रीज भी थी, रॉ मटेरियल की भी दिक्कत थी, उसके बावजूद भी सर्वाइव कैसे कर गए इंडियन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, या फिर कह लो कि जो हैंडलूम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से मतलब ये जो वीवर वगैरह जो घर में बैठ के काम चला रहे हैं अपना, ठीक है। तो वहां पे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एक कारण बना। कैसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एक कारण बना, तो आपको ये समझना होगा कि जो हमने ब्रिटेन वाले पार्ट में पढ़ा था कि हिस्ट्री मूव्स इन अ पैटर्न, क्या कनेक्ट करवा रहा हूं मैं आपको कि जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी उन्होंने भी अपने आप को मॉडर्नाइज किया, वो स्टैग्नेंट नहीं रही है। तो हमारे यहां भी जैसे जो हैंडलूम चलाने वाले लोग थे, उन्होंने भी देखा कि यार मशीन से बहुत तेज प्रोडक्शन होता है, तो हमें क्या करना होगा, हमें भी कुछ छोटे मोटे चेंज करना होंगे। तो जैसे हैंडलूम में फ्लाई शटल का कॉन्सेप्ट आ गया, फ्लाई शटल से फटाफट क्या होता था, हैंडलूम भी तेज चलने लगी, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस किए गए। फिर दूसरी चीज क्या है कि देयर वॉज ह्यूज एम्प्लॉयमेंट, हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम प्रोडक्शन वॉज एक्सपोर्टेड। आप अगर जैसे देखेंगे तो बड़ी इंडस्ट्रीज जरूर आ गई थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा था, इंडियन एंटरप्रेन्योर भी ग्रो कर रहे थे, उसके बावजूद भी आप जैसे देखोगे तो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वर वर्किंग एज अ स्मॉल वीवर और हैंडीक्राफ्ट पर्सन, ठीक है। और उस हैंडीक्राफ्ट और उस हैंडलूम के मटेरियल की वैल्यू भी थी। आज भी आप देखो महेश्वरी साड़ी हो गई, ठीक है, और जो भी बनारसी साड़ी हो गई, तरह तरह का कपड़ा है जो हाथ से बन रहा है, उसकी वैल्यू आज भी खत्म नहीं हुई है। तो दिस इज हाउ दी कह सकते हैं इंडियन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रीडोमिनेटेड। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट क्या है कि मिल्स में कपड़ा बनता जरूर था, लेकिन दे कुड नॉट इमिटेट दी स्पेशलाइज्ड वीव्स, जो नक्काशी से बारीकी से बनाई जाती चीजें वो सिर्फ हाथ से ही बनाया जा सकती थी, उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो। और जैसे खराब समय अगर आया भी ना, तो खराब समय अगर आएगा भी, जैसे वर्स्ट केस में ड्रॉट आ गई, फेमाइन आ गई, तो उससे कभी भी बनारसी साड़ी की सेल कम नहीं हुई है। मतलब कहने का मतलब ये है कि बुरे टाइम में भी जो फाइन क्वालिटी का प्रोडक्ट होता था उसकी तो सेल्स हमेशा वैसी ही रहती थी, क्योंकि पैसे वाले आदमी को इम्पैक्ट नहीं पड़ता था।
बुरा समय आता था तो गरीब आदमी कपड़े खरीदना बंद करेगा, और गरीब आदमी कोई इस तरह के एक्सपेंसिव प्रोडक्ट नहीं खरीदता था जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से निकलते थे, ठीक है, वो तो मशीन मेड क्लोथ खरीदता था, तो उल्टा ब्रिटेन की सेल्स कम होती थी अगर खराब समय आता भी था, ठीक है। सर्टेन ग्रुप्स ऑफ वीवर्स वर इन अ बेटर पोजिशन देन अदर्स टू सर्वाइव द कॉम्पिटिशन विथ मिल इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो कुछ ग्रुप ऑफ वीवर्स जो है जो बनारसी साड़ी बना रहे हैं उसकी सेल हमेशा सस्टेन रहेगी, वही उल्टा मशीन मेड क्लोथ जो है मिल इंडस्ट्री जो है उनकी सेल्स पे इंपैक्ट आता था, उनकी सेल्स पे वेरिएशन आता था। तो अब अगर आप इसे देखोगे तो हमने सारा चैप्टर जो एक बार कनेक्ट कर लिया है किस कंटेक्स्ट में, कि इंडियन इंडस्ट्रीज वेस्टर्न इंडस्ट्रीज मतलब वेस्टर्न पर्सपेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, ये इतना एस्पेक्ट हमने देख लिया है। अब एक और टॉपिक है मार्केट फॉर गुड्स, लास्ट टॉपिक, हाँ इसमें क्वेश्चन बनता है सीधा 5 नंबर का, और 5 पॉइंटर्स भी मैं आपको बता रहा हूं कि गुड्स बनाना एक चीज है, उसको लोगों तक पहुंचाना बेच पाना दूसरी चीज है। तो हाउ डिड दी क्वेश्चन ये, हाउ डिड दी गुड्स वर सोल्ड इन इंडिया, मार्केट कैसे क्रिएट किया गया गुड्स के लिए। तो जैसे अगर आप देखेंगे तो पीपल वर परसुएडेड टू बाय न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू प्रोडक्ट्स बना लिया तो उसकी मार्केटिंग वाली जो बात है ना वो वाला पार्ट यहां पे बताएगा कि हाउ दी गुड्स वर सोल्ड टू दी पीपल इन इंडिया। तो क्या देखने को मिलेंगे कि पीपल वर परसुएडेड टू बाय न्यू प्रोडक्ट्स, अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट जो शायद ब्रिटेन से बनकर आ रहे थे वो भी यहां लोगों को खरीदने के लिए मजबूर किया जाता था या फिर लुभान्वित किया जाता था। वो कैसे किया जाता था तो एडवर्टाइजमेंट एक बहुत प्रोमिनेंट तरीका था, एडवर्टाइजमेंट वॉज वन वे, जैसे इन द सेंस न्यूज़पेपर, मैगजीन, होर्डिंग्स, स्ट्रीट वॉल्स, टेलीविजन, इनकी मदद से चीजों का एडवर्टाइजमेंट किया जाता था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सामान बेचा जा सके, फाइन। फिर क्या होता है, अब ब्रिटेन, जैसे एक एग्जांपल मेड इन चाइना लिखा है तो आप वो प्रोडक्ट देखते आपको लग जाएगा कि भाई साहब कोई गारंटी नहीं कि घर ले जाएंगे तब तक भी चलेगा कि नहीं, ठीक है। तो अब वैसे ही वहां पे क्या होता था कि क्वालिटी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती, तो लोगों को ये अश्योर करने के लिए कि प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी होगा तो जो कपड़े बन के आते थे, जो सामान बन के आता था, उनके ऊपर मेड इन मैनचेस्टर के लेबल लगा दिए जाते थे, ठीक है। तो यूज ऑफ लेबल एज ए मार्क ऑफ क्वालिटी, सो दिस इज हाउ द थिंग्स वर मार्केटेड या फिर दिस इज हाउ द थिंग्स वर एडवर्टाइज्ड, कि मेड इन मैनचेस्टर लिख दिया, ठीक है, जिससे वो एक लेजिटिमेसी की नहीं अच्छी क्वालिटी का होगा भाई साहब मैनचेस्टर से बन के आया वो दर्शाई जा सके। तीसरा क्या है, यूज ऑफ इमेजेस एंड इलस्ट्रेशंस, फाइन। अब क्या हो रहा है ना, आपने कभी सोचा कि एडवर्टाइजमेंट में इंडिया में पेप्सी का जब ऐड करना होता है तो सलमान खान को ले रहे हैं, वही अगर आपको यूएसए में करवाना हो तो आप टॉम क्रूज को ले रहे हो, क्यों, क्योंकि वो सिमिलर फेसेस अपील टू द मासेस, हम सलमान खान को देखा इसके लिए हमें क्या लगता है, हमें लगता है कि हाँ हमारा प्रोडक्ट होगा, फाइन। तो यूज ऑफ इमेज एंड इलस्ट्रेशन, तो उस समय पे ब्रिटिशर्स सामान बेचने के लिए उन्होंने कभी भगवान श्री कृष्ण के आगे हाथ नहीं जोड़े होंगे लेकिन अपने सामान पे श्री कृष्ण की फोटो लगाएंगे वो, ठीक है, ताकि यहाँ की जनता जो है तो वो क्या करें कि उस प्रोडक्ट से फेमिलियर फील करे। तो दे इम्प्रिंटेड इमेजेस ऑफ कृष्णा सरस्वती बाय फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। तो देर वॉज दी इम्प्रिंट्स ऑफ इंडियन गॉड गॉडेसेस प्रोमिनेंट फिगर्स नवाब के राजाओं के, ताकि क्या हो लेजिटिमेसी मिल सके प्रोडक्टों की, प्रोडक्ट इंडियन नहीं है भाई साहब, देखो उस पर कृष्ण भगवान मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है। ये अब वो बात अलग है कि आज दुनिया इतनी मॉडर्न हो गई कि अब वो प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए मॉडल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, हीरो हीरोइंस का किया जा रहा है, लेकिन टेक्निक वही रही है, हिस्ट्री मूव्स इन अ पैटर्न, ठीक है। आगे देखोगे अब क्या होता, कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं होते, उस समय लिटरेसी बहुत ज्यादा थी, तो कैलेंडर्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता था एडवर्टाइजमेंट के लिए, ताकि क्या हो जिसे पढ़ते नहीं भी आता तो उसके घर तक एडवर्टाइजमेंट पहुंचाना है तो कैलेंडर पे हम कुछ अपना एडवर्टाइजमेंट छाप दो कि तारीख तो देखते ही हर आदमी दिवाली कब आ रही है ऐसा करके, ठीक है। तो यूज इवन बाय दोज हु कुड नॉट रीड, तो दिस इज हाउ द गुड्स वर मार्केटेड या फिर दिस इज हाउ द मार्केट फॉर गुड्स वॉज क्रिएटेड। एट लास्ट जैसे अगर आप देखेंगे फिगर्स ऑफ एम्परर्स एंड नवाब्स वर यूज्ड, अगेन वही वाली चीज, ताकि क्या है कि अगर आप उस नवाब की उस एम्परर की रिस्पेक्ट करते हो तो उस प्रोडक्ट की भी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि उस नवाब की एम्परर की मतलब उस समय नवाब और एम्परर जो होते हैं मुझे पता नहीं कि वो इन्फ्लुएंसर के रूप में पैसा चार्ज करते थे कि नहीं, लेकिन वो इन्फ्लुएंसर्स का रोल प्ले करते थे कि उनकी फोटोज लगा के प्रोडक्ट को क्या किया जाता था लोगों तक मार्केट किया जाता था, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट, दिस वन इज लास्ट, नेशनलिस्ट मैसेज थ्रू प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट बिकम ए व्हीकल। अब क्या हो रहा ना कि वही वाला जैसे स्वदेशी मूवमेंट के तमें इस्तेमाल किया जा रहा था, तो वही चीज यहां पे भी होती है कि नेशनलिस्ट मैसेज जो है, नेशनलिस्ट मैसेज लोगों तक पहुंचाए जाते थे कि इफ यू केयर फॉर द नेशन बाय द स्वदेशी प्रोडक्ट, तो स्वदेशी प्रोडक्ट खरीदने वगैरह की बात की जाती थी, वो भी एक तरीका था जिससे गुड्स को बेचा जाए। तो इस पे आपको एक आंसर मिल गया कि हाउ द गुड्स वर मार्केटेड, ठीक है, हाउ एडवर्टाइजमेंट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। किसी भी तरह से सवाल आए तो ये जवाब आपको मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। This was one of the most interesting chapter. Personally, board exam में आना चाहिए था, नहीं नहीं चिंता मत करो, मैं तुम्हारी टीम में ही हूँ, आना चाहिए था, in the sense कि इसको आप और अच्छे डिटेल से पढ़ते और समझते। फिर भी जिस बच्चे ने आखिरी तक ये वीडियो देखा है, that means कि आप अपने periodic test के बारे में भी sincere हो, तो वो periodic test के लिए मेरे डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको ऑलरेडी दो दो चैनल पे आपको मिल जाएगा।
वन शॉट आपको यहां बहुत बेहतरीन तरह से मिल गया है। तो इस वन शॉट की मदद से क्या हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा रिविजन वाला एस्पेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको यहां तक क्लैरिटी मिल गई है। फाइन, अगली इंपॉर्टेंट चीज, ये सारे नोट्स वगैरह सब आपको कहां मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पर। ये अपना टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, तो डू ज्वाइन इट, ठीक है, वहां से आपको मिल जाएगा। आशा करता हूं चीजें यहां तक आपको बेहतरीन तरह से समझ में आई। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।